कितने लोग पहली बार अपने हाथों को उठाएंगे, जो आज पहली बार चर्च में आए, हिलाएंगे अपने हाथों को। पूरी चर्च मिलके हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की प्रेजेंस में। ये संस्था नहीं जो धर्म बदलती है, ये वो परिवार है जहां का सिर, जहां का अगुआ प्रभु यीशु मसीह, और हम उसके शरीर के अलग अलग अंग हैं। तो इस परिवार में हम सब मिलके आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से। मीटिंग आमीन होने के बाद आप आगे आएंगे, आपसे कुछ घंटों में आपको छोटा छोटा एक गिफ्ट दिया जाएगा, फिर आपके लिए 7 हफ्ते प्रार्थना की जाएगी जो प्रेयर रिक्वेस्ट आप हमें देंगे। तो आगे आना भूलना नहीं। चर्च स्वागत है यीशु मसीह के नाम में आप सबका। मेरा बिलीव है परमेश्वर आपको लेके आए आपके मसलों को हल करने के लिए और आपको अनंत जीवन के अधिकारी बनाने के लिए, और जिस काम के लिए परमेश्वर ने आपको चुना वो काम आपकी जिंदगी में करने के लिए। और वो काम है, उसने कहा मैंने तुम्हें चुन लिया ताकि मैं तुम्हें सब जातियों से श्रेष्ठ बनाऊं। मैं नहीं जानता किस बैकग्राउंड से हैं आप, किस मोहल्ले से हैं, किस लोएस्ट से नीचे से नीचे से आप आए, परमेश्वर का मकसद है आपको टॉप पर लेके जाना और ये पूरा होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं ये अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूं, उसका वचन कहता है कि यीशु मसीह ने कहा मेरे नाम के आगे बीमारियां घुटना टेकती हैं, दुष्ट आत्माएं घुटने टेकती हैं। हाँ या ना? तूफान खत्म हो जाते हैं, एड्स खत्म हो जाते हैं, कैंसर खत्म हो जाते हैं, पर उसने कहा मेरे नाम से भी एक बड़ी चीज है। वो क्या है? परमेश्वर ने कहा मैंने अपने वचन को अपने नाम से भी बड़ा महत्व दिया। जिस नाम में इतने काम हो रहे हैं उस नाम से भी एक बड़ी चीज है। उसने कहा मेरा वचन मेरे नाम से भी अधिक महत्व रखता है। सुनो मेरी बात, उस वचन में लिखा परमेश्वर ने कहा आप व्यवस्था विवरण 7 अब आप पूरा अपने घर जाके पढ़ेंगे, ये आपका होमवर्क है। उसमें लिखा हुआ परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुन लिया, इसलिए नहीं चुना कि तुम बहुत थे। इसराइलियों को परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुन लिया क्योंकि तुम सब जातियों में से सबसे छोटे थे। और परमेश्वर ने कहा मैंने तुम्हें इसलिए चुन लिया कि मैं सबसे छोटे लोगों को चुनकर उन्हें पूरी दुनिया में श्रेष्ठ करूं। यह परमेश्वर की मर्जी थी। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? परमेश्वर ने कहा मैं अपना आप यह दिखाना चाहता हूं कि मैं यहोवा हूं, मैं अपनी महिमा को प्रकट करना चाहता हूं इस धरती पर। उसकी महिमा को प्रकट करने के लिए, परमेश्वर अपनी महिमा को, अपने काम को प्रकट करने के लिए वो आप लोगों को चाहता है। परमेश्वर ने कहा कैसे मालूम होगा पूरी दुनिया के लोगों को कि मैं महान हूं और मैं सर्वशक्तिमान हूं जब तक मैं कुछ लोगों को चुनूंगा नहीं, उनकी जिंदगियों में बड़े काम नहीं करूंगा, उनके द्वारा मिरेकल्स नहीं करूंगा, तब लोगों को मालूम होगा कि मैं यहोवा। और बाइबल कहती परमेश्वर ने इसराइलियों को चुना। और इसलिए चुना परमेश्वर ने कहा कि मैं सब जातियों से तुम्हें श्रेष्ठ कर सकूं। गलातिया के उस वचन को अपनी स्क्रीन के ऊपर पढ़ेंगे, गलातिया 3 उसकी 29 आयत में लिखा यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। उस 4 आयत 4 बाब को पढ़ेंगे 28 आयत को, हे भाइयों हम इजहाक के समान प्रतिज्ञा की संतान है। फिर से 3 बाब को पढ़ेंगे, मैं 3 गिनूंगा, आप सब मेरे साथ पढ़ेंगे, 1 2 3। और यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मैं तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, आशीष का मूल बनाऊंगा। और परमेश्वर ने कहा यदि तुम मसीह के हो, यदि तुमने बपतिस्मा ले लिया, अगर तुमने यीशु मसीह पर विश्वास कर लिया तो तुम क्या हो? फिर तुम प्रतिज्ञा के अनुसार अब्राहम के वंश के और प्रतिज्ञा के अनुसार वारिस भी हो और अब्राहम के वंश भी हो। आप ये देखी हुई चीजें जितनी देख रहे हैं टेंट से लेके साउंड से लेके, ये सारे वचन से बने। परमेश्वर की आत्मा लिखा पानी के ऊपर मौजूद थी और परमेश्वर ने कहा उजाला हो जाए और परमेश्वर की आत्मा ने वो सब कुछ बना दिया जो परमेश्वर के मुंह से निकला था। हालेलुया। आप जो कुछ भी ये देखा हुआ देख रहे हो ये अनदेखी चीज से बने, यानी जो स्पिरिचुअल चीजें हैं वो देखी हुई चीजों से ज्यादा असली हैं। आप स्पिरिचुअली एक ज्यू हो, एक यहूदी हो, आपको मालूम
क्योंकि बाइबल कहती है अगर आप क्रिश्चियन हो, अगर आप मसीह के हो, तो आप किसके वंश हो? आप अब्राहम के वंश हो। जितनी देखी हुई चीजें आप देख रहे हो, ये अनदेखी वस्तु से बनी है, हाँ या ना? ये मालूम है कि नहीं? इसका मतलब हम स्पिरिचुअली ज्यादा असली हैं जितना हम शरीर के असली हैं। और स्पिरिचुअली बाइबल ऐसा कहती है, अगर तुम क्रिश्चियन हो, अगर तुम मसीह के हो, तो स्पिरिचुअली अंदर से, सोल से, स्पिरिट से, तुम अब्राहम के वंश हो। परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था, जो तुम्हें गाली देंगे मैं उन्हें श्रापित कर दूंगा, जो तुम्हें आशीष देंगे, जो तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, मैं उन्हें ब्लेस कर दूंगा। परमेश्वर ने कहा था, जितने बड़े बड़े राजा तुम अपने सामने देखते हो, मिस्र के राजा, कोई भी तुम्हारी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि तुम प्रतिज्ञा के संतान हो। इस दुनिया में अगर क्रिश्चियन लोगों का कोई नुकसान कर सकता है, वो क्रिश्चियन लोग खुद हैं और कोई नहीं। एक बहुत बड़े मैन ऑफ गॉड को बीमारी हो गई, और ये बात मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। मैंने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, और रियल जेन्युइन मैन ऑफ गॉड, कोई ऐसा फेक वाला नहीं। और उनकी मिनिस्ट्री में मुर्दे जिंदा हो तो की डॉक्यूमेंट्रीज हैं, मुर्दे जिंदा हुए 3-4 दिन बाद क्रूसेड में, ऐसा सब। लेकिन मैं सोचता ऐसा क्यों हुआ, ऐसा परमेश्वर क्यों हुआ। और मेरे ख्याल से मुझे हो गए 4 साल इस विषय के लिए प्रार्थना करते हुए। और एक दिन मैंने उनका वचन सुन रहा था, उस वचन में वो बोल रहे थे, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ दिस। कोई क्रिश्चियन लोगों की बात होगी शायद, कोई क्रिश्चियन लोगों का कोई ऐसा काम होगा जिनसे वो, जिनको वो पसंद नहीं कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से क्या निकला, आई एम सिक एंड टायर्ड। कहते मैं, जैसे इंग्लिश में बोलते हैं ना, ओ वाओ व्हाट ए कार मैन, सिक मैन, सिक, मतलब ऐसा बोलते हैं इंग्लिश में। कोई बाप को गाली देते अमेरिका में बोलते, वाओ यू आर वेरी कूल। तो सिक एंड टायर्ड जो था वो उनके एक जैसे मुहावरा हम बोलते हैं, और उनके मुंह से निकला था, आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ योर थिंग्स। और अंत के दिनों में वो सिक भी हुए और टायर्ड भी रहे, क्योंकि वो बीमारी थकाने वाली बीमारी थी। आपको यह बात समझनी है कि आप अब्राहम की संतान हो और प्रतिज्ञा के वारिस हो, और परमेश्वर का आत्मा आप लोगों में बसता है। आप मजाक में भी कोई चीज बोलेंगे वो पूरी हो जाएगी आपकी लाइफ, क्योंकि स्वर्गदूतों को मजाक नहीं आता, स्वर्गदूतों को मजाक का मतलब नहीं पता। इसलिए स्वर्गदूत ने जब कहा था कि तेरी पत्नी गर्भवती होगी, तेरी पत्नी के बेटा होगा और उसका नाम यूहन्ना रखना, उसने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, वो तो बूढ़ी हो चुकी, उसके पीरियड्स बंद है, मैं भी बहुत बूढ़ा हो चुका हूं। स्वर्गदूत ने कहा इसलिए कि तूने मेरी बात की प्रतीति नहीं की, मैं तुझे गूंगा करता हूं। पता है क्यों गूंगा किया? क्योंकि स्वर्गदूत को मालूम था कि अगर ये यही बात बोलता रहा तो वो प्रेगनेंसी नहीं होगी, क्योंकि उसके शब्द ही उसकी प्रेगनेंसी को खत्म करते रहेंगे। तो उसको गूंगा कर दिया गया कि जब तक तेरी वाइफ के बेटा हो नहीं लेगा तब तक तू गूंगा रहेगा, ताकि तू अपने मुंह से अपने बेटे को खत्म ना कर दे। एक सब दुनिया में सबसे बड़ा प्रॉफिट कौन है? यूहन्ना बपतिस्मादाता। ना तो उसने कोई प्रोफेसी की, ना तो उसने कोई काम किया, सिर्फ प्रीचिंग की। लेकिन परमेश्वर ने कहा वो सबसे बड़ा, क्योंकि अपनी कॉलिंग पूरी कर रहा था। और उसका बाप इतना बड़ा परमेश्वर का जन और इतना ज्यादा परमेश्वर के साथ वफादार, लेकिन जब वचन पूरे नहीं हुए उसको भी गूंगा कर दिया गया परमेश्वर के द्वारा। इसका मतलब परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, इसका मतलब परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है, इसका मतलब जो परमेश्वर ने आपको पावर दी है उसका आप यूज कर सकते हैं और उसका आप मिसयूज भी कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसको अपने खिलाफ भी यूज कर सकते हैं, अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप कभी महामारियों के शिकार नहीं होंगे, आप कभी शॉर्ट लाइफ नहीं जिएंगे, आप कभी दुखी नहीं होंगे, टूटेंगे नहीं, आप कभी डाइवोर्स के नीचे नहीं जाएंगे, एक्सीडेंट के नीचे नहीं जाएंगे। आमीन हो जाइए आशीष आपकी चर्च। इसीलिए आप चर्च में आए हो आज कि आप वर्ड्स रिसीव कर सको और ब्लेस हो सको। जितने वर्ड्स आपकी लाइफ पर बोले गए नेगेटिव, सारे कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने वर्ड्स आपकी लाइफ के ऊपर बाबाओं के द्वारा बोले गए, सारे कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। जितने कर्ज आपके वंशों से आपके माता पिता ने, दादाओं ने बोले, कैंसिल करता हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को आशीष आपकी होगी चर्च।
कहते आई एम सिक एंड टायर्ड, और वही हुआ। अय्यूब कहता जिस बात से मैं डरता था वही मुझ पे आ पड़ी। हाय पेट पेट दर्द यार, कहते कैंसर ही ना हुए यार, मैंने कैंसर तो बहुत डर लगता यार, मैंने कैंसर तो बहुत डर लगता। आप इनवाइट कर रहे हो उसको, आपके दिमाग में कुछ भी हो उसके उसको बोलने से पहले, क्योंकि बोलने से उत्पत्ति हो जाएगी, बोलने से वो चीज बन जाएगी, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो। आपके दिमाग में कुछ भी शैतान डाले उसको काउंटर करने के लिए परमेश्वर का वचन आपके पास होना चाहिए। व्यवस्था विवरण के उस अध्याय को हम पढ़ेंगे, उसकी 7 बाब उसकी 14 आयत को, तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। ये परमेश्वर ने उनको बोला जो दिल और तन और मन और धन सबसे परमेश्वर को मानते हैं, जिनके लिए परमेश्वर सिर्फ एक चंगियाई का सोता नहीं कि अगर चंगियाई चाहिए तो चर्च में चले जाओ, लेकिन बपतिस्मा लेने के लिए तैयार नहीं, यीशु मसीह को जीवन देने के लिए तैयार नहीं। ये उन लोगों के लिए नहीं, ये वो लोग हैं जो परमेश्वर को तन और मन से मानते हैं, जो और किसी के सामने उन जिनका सिर नहीं झुकता, जो सिर्फ यहोवा को मानते हैं, यीशु मसीह को मानते हैं। परमेश्वर ने कहा तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। परमेश्वर ने यह नहीं कहा जब कोरोना आएगा तो यह वचन पूरा नहीं होगा, उसने यह नहीं कहा कि यह वचन तब पूरा नहीं होगा अगर तू गरीब देश में, गरीब जाति में, गरीब परिवार में, गरीब कास्ट में जन्मेगा तो यह वचन पूरा नहीं होगा। उसने कहा तू कहीं भी जन्मा हो अगर तू मेरे वचन पर यकीन करेगा तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा। अगर आप अमेरिका में चले जाएं, अगर आप कनाडा में चले जाएं, अगर आप इंग्लैंड में चले जाएं, आपको थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ क्रिश्चियंस, बॉर्न क्रिश्चियंस, क्रिश्चियंस फैमिलीज मिलेंगी जो पंजाबी हैं, हजारों लाखों के हिसाब से। पता है क्यों? ये वचन उनकी लाइफ में पूरा हो रहा है। और अगर आप उनकी फैमिलीज में जाकर देखें तो आम अदर लोगों से, दूसरे लोगों से, दूसरी जातियों से जो बाहर गए होंगे वो कहीं अधिक ब्लेस्ड हैं। उसने कहा तू सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बीच में ना पुरुष ना स्त्री निर्वश होगी। इसका मतलब ना पुरुष ना स्त्री निर्वश का मतलब होता है कि वो बच्चों से रहित नहीं होगी, और तेरे पशुओं की भी ऐसा ही होगा, तेरे पशुओं में से भी कोई ऐसा बांझ नहीं होगा। मैं आपको बोलता हूं ना, कीड़ी भी अगर हो तो ले आना अगले संडे, अगर गाय प्रेग्नेंट नहीं होती उसकी फोटो ले आना। हाँ, मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहे हैं कि जैसे तू अब्राहम के वंश में आएगा, जैसे तू स्पिरिचुअली ज्यू बन जाएगा, यहूदी बन जाएगा, तो सब देशों के लोगों से अधिक धन्य होगा, तेरे बच्चे धन्य होंगे, तू निर्वश नहीं होगा, ना बंदा ना लेडीज। परमेश्वर ने कहा अगर तुम इनकम्प्लीट हो, तुम पूरे हो गए, कोई बीमारी है वो जाएगी, क्योंकि ये वाचा का हमारे साथ वाचा है परमेश्वर की, ये होगा हमारी लाइफ में। अपने हाथों को उठा आगे आगे बढ़ता रहूं मैं, पीछे कभी ना मुड़ूं, तू जो मेरे संग है कोई ना डर है, मैं ना डरूं ना रुकूं, भर दे मुझको। जोर से हालेलुया बोलो, जोर से, अपने हाथों को उठा, बैठ जाओ 2 सेकंड के लिए, अपने आप को तैयार करो, बोलो परमेश्वर मैं समर्पित करता हूं अपनी जिंदगी, अपनी इच्छाओं को, अपने शरीर को, अपनी मन को, अपने तन को, अपने धन को, अपने हर एक चीज जो मेरे साथ जुड़ी हुई तेरे सामने है। तू जो मेरे संग कोई ना डर है, मैं ना डरूं ना छूं, आगे ही आगे बढ़ता चलूं मैं, पीछे ना
कभी ना मुड़ू। जोर से बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश के हो। अगर अब्राहम के वंश के हो तो प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस हो। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, यदि तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश के हो। अगर तुम मसीह के हो तो अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस हो। पूछो अपने पड़ोसी से, किस चीज के वारिस? बोलो आशीष के वारिस। आशीषित होगा तू घर आते समय, घर से जाते समय। तेरा बैंक बैलेंस, तेरी कोठड़ी, तेरा घर, तेरे बच्चे, तेरे पशु, तेरा खेत, सब आशीषित हो गए। आप आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ठंड तो नहीं लग रही आज? झूठ बोल रहे तुम, मुझे थोड़ी थोड़ी लग रही हाथों पे। हालेलुया। लोग हैरान होते हैं जब वो खास तौर पे मिनिस्ट्री में आते हैं या किसी क्रूसेड पे जाते हैं, कहते हैं इतने लाखों लोग होना और फिर भी ऐसी साइलेंस होना हमने लाइफ में कभी कहीं नहीं देखा। बहुत जो बड़े बड़े लोग हैं वो आते हैं, पॉलिटिशियंस भी, कहते हैं हमने रैलियां देखी हैं बड़ी बड़ी, पर जो आपका डिसिप्लिन है, जो कहते हैं हमने लाइफ में ऐसा कभी नहीं देखा कि इतने लाखों लोग होने के बावजूद पिन ड्रॉप साइलेंस हो। परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, तुम मसीह के वंश, अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस। आमीन। हट जा लड़के, कोई डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, यदि तुम क्रिश्चियन हो, मसीह के हो, बैप्टाइज्ड हो तो अब्राहम के वंश के हो और प्रतिज्ञा के अनुसार तुम वारिस हो। आमीन। आप हर एक अच्छी चीज को अट्रैक्ट करेंगे अपने लिए, हर बेस्ट चीज आपकी ओर चली आएगी। आप देखना, आपको अपने आपको प्रॉमिसेस के ऊपर होल्ड करना होगा, क्योंकि लोगों को होल्ड करना, क्योंकि लोगों को होल्ड करना नहीं आता है। यीशु मसीह एक घर में गए क्योंकि यीशु मसीह को इनविटेशन मिला था शादी के लिए, और जब यीशु मसीह शादी के घर में गए तो बाइबल कहती है वहां पे जब खाने की कमी हो गई, जूस की कमी हो गई, तो यीशु मसीह की माता ने यीशु मसीह को बोला कि उनके पास जूस की कमी हो गई, दाखरस की कमी हो गई। तो यीशु मसीह ने कहा अभी मेरा टाइम नहीं आया, ये बोल के यीशु मसीह चले गए। लेकिन उसकी माता ने कहा अब जो कुछ चेलों से कहा, जो कुछ यीशु मसीह कहे वो करना। आमीन। जिस घर में परमेश्वर थे वो घर कभी भी शर्मिंदा नहीं रह सकता था। आप समझते हैं अगर शादी वाले घर में खाने की कमी हो जाए तो क्या होता है? हाँ, क्या होता है? शर्मिंदगी होती है कि नहीं होती? तो सब लोग ये बोलते हैं कि नहीं, थोड़ा खाना एक्स्ट्रा बना लेना, लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए किसी चीज की। लंगर एक्स्ट्रा बनाना ताकि हम बांट दे, बाद में लोगों को बांट देंगे, लेकिन कमी नहीं होनी चाहिए। और यीशु मसीह को मालूम था कि वो घर अब शर्मिंदगी से निकलेगा, और जब उनको रिक्वेस्ट की गई कि हमें शर्मिंदगी से बचाइए तो परमेश्वर ने उस रिक्वेस्ट को सुना और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस दी। हालेलुया। हम कई बार रिक्वेस्ट करते हैं परमेश्वर को कि परमेश्वर मेरे बिजनेस में मुझे शर्मिंदगी नहीं होनी चाहिए, मेरी मैरिड लाइफ में, मेरी सेवकाई में, मेरी इसमें, मेरे उसमें, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है। जैसे मेरी होती थी 17 साल पहले, 15 साल पहले, जब आप परमेश्वर को अपनी रिक्वेस्ट बता देते हैं, जब आप परमेश्वर को अपनी प्रार्थना बता देते हैं, उसके बाद आपको होल्ड करना पड़ता है, आपको बिलीव करना पड़ता है कि वो इंस्ट्रक्शंस देगा, वो कुछ
मेरे दिमाग में डालेगा, वो किसी दास के जरिए बात करेगा, वो किसी सर्कमस्टेंस के जरिए बात करेगा और मुझे इस सिचुएशन से वो निकाल देगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता आप शर्मिंदगी में रहें, ये 100% श्योर बात मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले आपको उसके प्रोमिसेस पर, उसके वादों पर होल्ड करना होगा। वो जल्दी का परमेश्वर नहीं। अगर आपको जल्दी है किसी मिरेकल की, आप उसे गवा देंगे, आप उसे मिस कर देंगे, वो आपके लाइफ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप ये बात जानते हैं कि परमेश्वर ने आपको वापस नहीं मोड़ना, आपको खाली नहीं उसने जाने देना, और अगर आप स्टिक हो चुके हैं, अगर आप खड़ चुके हैं, अड़ चुके हैं अपनी अपनी जगह के ऊपर, आप परमेश्वर को बोलेंगे, परमेश्वर, जैसे उस औरत ने, उस मरियम ने बोला कि परमेश्वर, यीशु मसीह इस घर में दाखरस नहीं, कुछ करो इनका। और उसके बाद क्या हुआ? कुछ नहीं, परमेश्वर ने कुछ नहीं बोला। लेकिन मरियम को मालूम था कि परमेश्वर कुछ करेंगे, और उसने चेलों से कहा, अब जो कुछ ये तुमसे कहे वही करना। आमीन। परमेश्वर ने कहा था मेरी आज्ञाएं जो है वो कठिन नहीं, वो मुश्किल नहीं। आपकी प्रॉब्लम बीमारी हो सकती है, आपकी प्रॉब्लम फाइनेंस हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम आपकी आपका परिवार हो सकता है, आपकी प्रॉब्लम मेंटल हेल्थ हो सकती है, आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कैरियर हो सकता है। अगर आप विलिंग हैं, अगर आप इच्छुक हैं कि परमेश्वर आपकी लाइफ में काम करें, और आप परमेश्वर को इनवाइट करेंगे, परमेश्वर मेरे बेटे की जिंदगी में काम कर, मेरे बेटी की जिंदगी में काम कर, मेरे फाइनेंस में काम कर, उसके बाद आपको क्या करना है? जिस तरह परमेश्वर ने चेलों को आज्ञा दी और मरियम को मालूम था कि अब ये कमांड करेगा, अब ये आज्ञा देगा, अब ये मिरेकल होने से पहले यीशु मसीह कुछ आज्ञाएं देंगे, कुछ प्रोटोकॉल देंगे, हमें उसे फॉलो करना है। हालेलुया। कई बार इस मिनिस्ट्री को बढ़ने से पहले, जब ये मिनिस्ट्री बढ़ने वाली होती थी, परमेश्वर मुझे एक बड़ा बीज बोने के लिए बोलता था, और वो बीज ऐसा होता था कि हमारे दिल को हिलाता था, वो बीज, हम खाली हो जाते थे बीज बो के, लेकिन हमें मालूम था। और बीज बोने के बाद मैं अनाउंस करता कि हम डबल होने जा रहे हैं, हम ट्रिपल होने जा रहे हैं। लोग बोलते, इनको कैसे मालूम? शायद कोई बड़ी मीटिंग की तैयारी की हुई है, शायद बड़े ज्यादा पोस्टर छाप दिए हैं, बड़े पंफलेट छाप दिए हैं, बड़ी मीटिंग होगी तो लोग तो आएंगे। ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोग पोस्टर पंफलेट्स बांट देते, छाप देते, लेकिन उनकी मिनिस्ट्री बढ़ती नहीं। लाखों रुपया स्पेंड कर देते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट पे, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ब्लेस नहीं करता। लेकिन बात यह है, जब मुझे मालूम है, मेरी इच्छा थी कि परमेश्वर मुझे सेवकाई में, मुझे मसे में बढ़ना है, तो परमेश्वर फिर इंस्ट्रक्शंस देना शुरू करते हैं कि अब ऐसा बीज बोना है, अब ऐसे प्रार्थना करनी है, अब इतने घंटे प्रार्थना करनी, अब इस तरह से फास्टिंग करनी, इस तरह से फायर प्रेयर करनी, इस तरह से ये मुद्दा जो हल नहीं हो रहा, इसको प्रेयर के साथ, इसको वचन वाली प्रार्थना, नोटिस वाली प्रार्थना, प्रेयर पॉइंट्स वाली प्रार्थना, इसको पर्सनल प्रेयर वाली प्रार्थना में रखना है। परमेश्वर आपको इंस्ट्रक्शंस देते हैं। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? बेनी हिन ने परमेश्वर को कहा, मैं बढ़ना चाहता हूं, मैं सामर्थ्य से भरना चाहता हूं, मैं काम करना चाहता हूं। परमेश्वर ने कहा, अगर जब तक तू अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ेगा नहीं, मैं तुझे इस्तेमाल नहीं करूंगा। जैसे ही आप अपनी अपनी इच्छा को परमेश्वर के सामने रखेंगे, आप जैसे ही अपनी विल को परमेश्वर के सामने रखेंगे कि वो आपको शर्मिंदगी से आजाद करे, वो आपको ट्रबल से आजाद करे, वो आपको बीमारी से आजाद करे, नेक्स्ट चीज जो आपके साथ आपके पास आएगी वो परमेश्वर की इंस्ट्रक्शन होगी, वो परमेश्वर की आज्ञा होगी। वो आपके घर में पड़ी हुई कोई पुरानी फोटो हो सकती है जिसे परमेश्वर निकालने के लिए बोले, वो आपका पास्ट हो सकता है जिसे आपने संभाल के रखा है कि मेरी पुरानी फोटो है लेकिन उसमें शैतानी चीजें हैं, वो चाहे निकालने के लिए परमेश्वर बोले। आप जैसे ही परमेश्वर को अपनी विल बताएंगे, अपनी इच्छा बताएंगे कि मुझे इस तरह से इस्तेमाल होना है, या मेरा मेरी जिंदगी का ये मकसद है, मैंने ये काम करना है, उसी दिन से आपकी जो जर्नी है वो स्टार्ट हो जाएगी और परमेश्वर आपको उस लेवल से तैयार करना शुरू कर देंगे। वैसी ही चुनौतियां आपको देनी स्टार्ट कर देंगे, वैसी प्रेयर लाइफ आपकी, आपको परमेश्वर का आत्मा आपको प्रेरित करेगा करने के लिए, उतनी फास्टिंग बोलेगा करने के लिए, और आप उस जर्नी पे निकल जाएंगे। और जर्नी पर निकल गए तो आप एक दिन, एक ना एक दिन पहुंच जाएंगे। अब लुधियाना के बस में अगर बैठे तो हमें मालूम है कि चाहे जितना मर्जी ट्रैफिक हो लेकिन लुधियाना तो पहुंच ही जाएं। थोड़ा देर हो सकता है, किसी कहीं ट्रैफिक फंस गया, कहीं फॉग पड़ गई, कहीं धुंध पड़ गई, एक घंटा देरी हो सकती, लेकिन डिनाइल कभी नहीं हो सकता। ऐसा कभी नहीं सुना कि यहां पर जलंधर से कोई बस निकली हो लुधियाने के लिए और पहुंची ना हो। आप श्योर श्योर बस में बैठे हो जो श्योर पहुंचने वाली मंजिल पे श्योर पहुंचेंगे आप यीशु मसीह के नाम।
अब जैसे ही मान लो परमेश्वर ने आपको, आपने परमेश्वर को अपनी इच्छा को बताया कि परमेश्वर मेरे ये मेरी, और ये वो इच्छा कार्नल नहीं होनी चाहिए, वो इच्छा शारीरिक नहीं होनी चाहिए। मैंने ऐसी लड़कियां देखी हैं जो फास्टिंग में थी 40-40 दिन रात के रोजों की कि मेरी इसके साथ शादी हो जाए, और वो जितना फास्टिंग करती थी उतनी नफरत उनके लिए दिल में आती थी, क्योंकि परमेश्वर बताता था कि मैं बाबा नहीं हूं जिसे दारू की बोतल दोगे और बाबा जी खुश हो जाएंगे, मैं पवित्र परमेश्वर हूं। तुम्हारी प्रार्थनाएं शारीरिक नहीं होनी चाहिए कि मेरी उससे शादी हो जाए, मेरा फलाने से शादी, वो मैं उस प्रेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मैं परमेश्वर की महिमा के लिए मांगे गए कामों की बात कर रहा हूं कि मुझे हील कर, मैं तेरा काम करूंगा, मुझे पैसा दे, मैं तुझे सपोर्ट करूंगा प्रभु, मैं उन चीजों की बात कर रहा हूं। आमीन। मैं शारीरिक चीजों की बात नहीं कर रहा हूं कि मेरी उसके साथ लव मैरिज हो जाए, मेरी उसके साथ टांका फिट हो जाए, नो। तो जैसे ही आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रखते हैं कि यीशु हमारे पास दाख रस नहीं है, हम शर्मिंदा होने वाले हैं, उसने कहा मेरा टाइम नहीं आया अभी, चाहे वो आपको लगे कि आपका काम इम्पॉसिबल है, आपको डिनाई मिल गया, आपको डिनाइल मिल गया, आपको मना हो गया, डोंट वरी, अब आपको इंस्ट्रक्शंस देगा वो, और ये एक स्लो चलने वाला प्रोसेस है। अगर आप शॉर्टकट चाहते हैं तो क्रिश्चियनिटी आप लोगों के लिए नहीं, अगर आप जल्दी जल्दी में हैं तो क्रिश्चियनिटी आपके लिए नहीं, आपको जस्ट आपको परमेश्वर को अपनी रिक्वेस्ट देनी है, रोज आपको अपनी इच्छा को बताना है, और फिर परमेश्वर डे बाय डे रोज रोज आपको गाइड करना शुरू करेंगे। कभी वचन से आपको कुछ मिलेगा, कभी पवित्र आत्मा आपको कुछ देगा, कभी प्रार्थना में बैठ के आपको मिलेगा, और परमेश्वर दिन प्रतिदिन आपको इंस्ट्रक्शंस देते जाएंगे ताकि उस मास्टर पर्पस के लिए आपको तैयार किया जा सके जो आपके लिए परमेश्वर की इच्छा है। और सबसे अच्छी एक खूबसूरत बात यह है कि जो प्लान आपने परमेश्वर से बोला, जो काम परमेश्वर ने आपको, परमेश्वर से आपने बोला कि परमेश्वर मुझे हीलिंग चाहिए, वो भी परमेश्वर की इच्छा थी कि आपके दिल में आए, शायद आप ये नहीं जानते, वो भी आपको परमेश्वर के द्वारा प्रेरित किया गया ये मांगने के लिए, क्योंकि परमेश्वर का मकसद है आप जब उस हीलिंग के लिए मेहनत करेंगे वो आपको स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो कर देगा साथ साथ, और जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में ग्रो होंगे क्या होगा, आपका वंश बचाया जाएगा, आपके लोग बचाए जाएंगे, आपका मोहल्ला बचाया जाएगा, क्योंकि अगर आप रियली सेव हैं, अगर आप रियली बचे हुए हैं, अगर आप सच में साल्वेशन पाए हुए हैं, तो आप यीशु मसीह की बातें दूसरों से करेंगे। ऐसा कभी नहीं मैंने देखा कि एक बंदा कंप्लीटली विश्वास में हो लेकिन यीशु मसीह की किसी से बात ना करता हो, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा तुमने मांगा पर पाया नहीं, इसलिए कि तुम व्यभिचार में उसे उड़ा दो। आप जानते हैं कई लोग परमेश्वर के दिल में से नफरत कमाते हैं जब वो ऐसी प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर मेरे फलाने के साथ शादी हो जाए, मेरी फलाने के साथ शादी हो जाए। आपने परमेश्वर, मैंने उनके चेहरों से, उनकी बॉडी से ग्रेस उड़ती हुई देखी, सुंदरता उड़ती हुई देखी जब वो इस तरह की प्रार्थनाएं करते हैं। आपको जो कुछ भी परमेश्वर देगा वो अपनी महिमा के लिए देगा, वो पैसा देने से मना नहीं कर रहा, वो हीलिंग देने से मना नहीं कर रहा, वो ऊंचा करने से मना नहीं कर रहा, वो आपको आपको सक्सेसफुल करने से मना नहीं कर रहा। अगर मुझे अगर सक्सेस को बयान करना हो तो मैं कर सकता हूं, मैंने हर अपनी लाइफ के हर हिस्से में सक्सेस देखी, ह्यूज देखी, बड़ी देखी मैंने, हर हिस्से में, एक हिस्से में नहीं, कईयों की लाइफ में एक हिस्से में होती, दूसरे हिस्से में नहीं होती, दूसरे में होती, तीसरे में नहीं होती, हर हिस्से में मैंने देखा है, और कैसे डे बाय डे रोज रोज परमेश्वर की आज्ञाओं को फॉलो करके। ये कॉलिंग बड़ी थी, ये मसा बड़ा था, ये इसलिए परमेश्वर की इंस्ट्रक्शंस भी बड़ी थी। आमीन। एक दिन मैं एक शादी में गया, शायद मेरे को कुछ ही महीने साल हुए थे, बैप्टिज्म में ले चुका था, क्योंकि 2-3 महीने में मैंने बपतिस्मा ले लिया था, मुझे इतना याद है कि मैं बपतिस्मा मैंने ले लिया था। मेरे बहुत क्लोज रिश्तेदार की शादी, और शादी में मैं गया, वो उसको बोला यार नचदा नहीं यार, तू नचदा नहीं यार, तू भंगड़े पा यार, तू नचदा नहीं, वहां को पंजाबी कोई सॉन्ग लगा हुआ, मैं भी नाच रहा बिच पंजाबी सॉन्ग,
और जैसे ही उस सॉन्ग में किसी और चीज का नाम आए, शैतान का नाम है, मैं हट जाऊं। मतलब कि पूरा क्रिश्चियन नहीं सी पर अद्धा सी, हाँ। और जैसे फिर वो गाना जो आवे फिर मैं नचा, और आप जानते नहीं पवित्र आत्मा ने मेरी वो क्लास लगाई वापिस आते वक्त कि जो तू मांग रहा है, जो तू चाहता है, तू कभी हासिल नहीं कर सकता अगर तू ऐसे करेगा तो। और वो दिन था, मैंने सभी रिश्तेदारों को बोल दिया कि मैं किसी शादी को अटेंड नहीं करूंगा, और तब से मैं कोई शादी में नहीं गया। लेकिन वो मेरी बड़ी कॉलिंग थी, मैं आपको ऐसा करने के लिए नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप ऐसी चीजें नहीं कर सकते जो हमारे वचन के खिलाफ। आमीन। और धीरे धीरे ऐसी समझ आती है, एकदम से नहीं, धीरे धीरे पवित्र आत्मा रोज रोज हमें बताता है ये नहीं करना, ये करना है, ये कब करना है, कितना करना है। और आप अपनी डेस्टिनी में, अपनी मंजिल में, आप एक कदम आगे, एक कदम आगे, एक कदम आगे, आप परमेश्वर के साथ चलते जाते हैं और ये जर्नी आपकी सक्सेसफुल होती जाती है डे बाय डे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप परमेश्वर में कुछ करने के लिए आए हो, परमेश्वर ने आपको अपने पास बुलाया हो, लेकिन परमेश्वर आपको सक्सेसफुल ना करे, ऐसा नहीं हो सकता। हां, अगर इंस्ट्रक्शंस आपने तोड़ी हो, अगर आज्ञाएं आपने तोड़ी हो, तो फिर वो जर्नी जर्नी नहीं है, क्योंकि उस जर्नी में आप रास्ता भटक चुके हो कि वो बस निकली तो लुधियाने के लिए थी लेकिन अब नूरमहल की तरफ जा रही है। अगर आप परमेश्वर के साथ जर्नी में हो, आपको आज्ञाओं को सुनना पड़ेगा, वो मुश्किल हो आसान हो आपको उन आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। और परमेश्वर ये वायदा करता है वो आपको छोड़ेगा नहीं, आपको त्यागेगा नहीं, आपकी जर्नी मिस नहीं होगी, आपका आपकी मंजिल मिस नहीं होगी, और जब आप पहुंचेंगे अपने आप को धन्य कहेंगे। आपको बेस्ट हस्बैंड चाहिए, यही रास्ता है। आपको बेस्ट बिजनेस चाहिए, यही रास्ता है। आपको बेस्ट लाइफ चाहिए, यही रास्ता है। आपको बेस्ट स्पिरिचुअल लाइफ चाहिए, यही रास्ता है। ओनली दिस, ओनली यही वेयर, यही रास्ता है सिर्फ। कि परमेश्वर के सामने अपनी आज्ञाओं को, अपनी अपनी इच्छाओं को रखो और उसके बाद उसकी आज्ञाओं के लिए वेट करो, और वेट करो प्रार्थना में, वेट करो फास्टिंग में, वेट करो संडे परमेश्वर की हजूरी में जाके, इंतजार करो, जल्दी मत मचाओ, और वो धीरे धीरे आपकी अगुवाई करेगा, लेकिन स्ट्रांग करेगा, रिजल्ट बहुत स्ट्रांग आएगा आपका। वो अगुवाई धीरे धीरे करता है, स्लो स्लो करता है, दुबका दुबका करता है, लेकिन रिजल्ट समंदर आता है पूरा। अगुवाई वो बूंद बूंद कर सकता है, लेकिन रिजल्ट बूंद बूंद नहीं। अगुवाई बूंद बूंद है, रिजल्ट समंदर से भी बड़ा है। रिसीव करो अपने परिवार के लिए यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो अपने फाइनेंस के लिए यीशु मसीह के नाम में, रिसीव करो अपनी बॉडी के लिए, हेल्थ के लिए, सारी बीमार बॉडियां चंगी हो जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ऑल बॉडीज, सिक बॉडीज बी हील्ड। हालेलुया, ऊंचे बोलो हालेलुया। आप तैयार है क्या? क्योंकि आपको यह बात समझ होनी चाहिए कि मैं अब्राहम का वंश हूं। भूल जाओ आप कहां पैदा हुए, भूल जाओ आपका बैकग्राउंड क्या है, आप आज से याद रखो मैं अब्राहम का वंश हूं। आप जहां जाएंगे सक्सेस आपका पीछा करेगी। आप कहां जहां मर्जी चले जाओ, दुनिया के सबसे गरीब देश में चले जाओ, सक्सेस आपका पीछा करेगी। हमें ऐसा लगता है कि अफ्रीका बहुत गरीब मुल्क है, क्योंकि आप में से 99% लोग कभी अफ्रीका नहीं गए। जितनी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज अफ्रीका में है, दुनिया के किसी कोने में नहीं। अगर आपके पास जुराबे हैं, जुराबे आप वहां बेच सकते हो महंगी, 35 रुपए की, यहां से लेके कम से कम वहां 250 रुपए की जुराबे। और क्रिश्चियंस लोग वहां, वहां 80% लोग क्रिश्चियन है, 70% लोग क्रिश्चियन है, और अगर आप उनकी लाइफ देखो कहीं अधिक ब्लेस है आम लोगों से। तुम अब्राहम के वंश और प्रतिज्ञा के वारिस हो, तुम जहां जाओगे तुम सक्सेसफुल होगे, जिस जगह हाथ लगाओगे वो सक्सेसफुल होगे। तुम्हारे घर में शांति होगी, तुम्हारी मैरिज में शांति होगी, परमेश्वर का ग्रेस तुम्हें कवर करके रखेगा, फाइनेंशियली तुम कभी टूटोगे नहीं, कभी पुअर नहीं होगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो आज्ञाएं, आज्ञाओं को मानना। आमीन। कि वहां पे यीशु मसीह के सामने एक प्रेयर रिक्वेस्ट दी गई कि परमेश्वर हमें शर्मिंदगी से बचा लो, और फिर यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है अभी मेरा टाइम नहीं आया, और
माता ने कहा चेलों को कि अब जो कुछ ये बताएगा वही करना, ये कुछ आज्ञाएं देगा तुमको उसे मानना, और जो कुछ हम मांग रहे हैं हमें मिल जाएगा। वो कुछ भी हो सकता है, वो इम्पॉसिबल चीज हो सकती है, वो असंभव चीज हो सकती है। यीशु मसीह ने कहा जाओ मटकों में पानी भर दो। वो सोच रहे थे कि यीशु मसीह ऐसा कुछ करेगा कि अंगूर प्रकट हो जाएंगे कहीं से, हम फटाफट डालेंगे छक 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 मारेंगे जूस निकाल लेंगे। यीशु मसीह ने कहा पानी भर दो और जाओ पानी को चेक करो, वो दाखरस बन चुका है। और ऐसा ही हुआ, और जिस मटकों में वो दाखरस बनाया था वो मटके आज भी हैं वहां पे इज़राइल के पास आज भी। ये यीशु मसीह का पहला चमत्कार था, आज भी वो मटके मालूम वहां पड़े, अजीब सी शेप के, बड़े बड़े से। उनको मालूम था कि अब यीशु मसीह हमें आज्ञाएं देगा और हमें आज्ञाओं को मानना है, तो शर्मिंदगी से हम बच जाएंगे, हमें उसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना, हम शर्मिंदगी से बच जाएंगे। वो प्रेयर रिक्वेस्ट कोई भी हो, एनीथिंग, वो इम्पॉसिबल काम की होगी, आपको लगता है कि मेडिकली ये इम्पॉसिबल है, हमारे हमारे परिवार के लिए ये इम्पॉसिबल है, हमारे हमारी लाइफ के लिए ये इम्पॉसिबल है, मेरी जिंदगी के लिए ये काम इम्पॉसिबल है, वो कुछ भी हो सकता है। वो डिप्रेशन हो सकता है जो मेडिकली इम्पॉसिबल है निकालना एक व्यक्ति के दिमाग से, क्योंकि वो एक सोच है जैसे शैतानी सोच है, वो शैतान के द्वारा पावर्ड सोच है, जैसे जैसे जुकाम के जुकाम को अगर पावर दे दी जाए वो कोरोना बन जाता है। वैसे एक सोच को जब डेविलिश इन्फ्लुएंस दे दिया जाता है तो वो डिप्रेशन बन जाता है। अगर आप डिप्रेशन वाले को बोलेंगे किस बात का डिप्रेशन है, वो आपको बता भी नहीं पाएगा कि वो इतनी छोटी बात होती लेकिन उसकी सुसाइड का कारण भी बन जाती, क्योंकि उस सोच के पीछे जो पावर है वो शैतान की, और सिर्फ एक बंदा ही उसको आजाद कर सकता है उस सोच की पावर को, यीशु मसीह, जिसका नाम जीसस क्राइस्ट है, जो आदमी भी है और परमेश्वर भी है, जो मनुष्य का बेटा भी है और परमेश्वर का बेटा भी है। आमेन। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ शांत होकर परमेश्वर के सामने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को रखना है। आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए कई बार परमेश्वर डॉक्टर्स को यूज भी करेगा, और बहुत सारे क्रिश्चियंस को यह नहीं मालूम, उन्हें लगता है कि डॉक्टर्स के पास जाना मतलब आत्मिक जिंदगी से पीछे हट, वो मेडिकल साइंस का योग प्रयोग करेगा आपको उस प्रेयर का जवाब देने के लिए। कई बार वो डायरेक्ट प्रार्थना से आपको जवाब देगा, कई बार डायरेक्ट हीलिंग देगा, कई बार वो डायरेक्ट सब काम करेगा, लेकिन कई बार वो लोगों का यूज करेगा, चीजों का यूज करेगा, लेकिन जो कुछ आपने मांगा है एग्जैक्टली आपके सामने होगा। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि उसकी इंस्ट्रक्शंस, उसकी आज्ञाओं को हम क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। जो कुछ हमने प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रखी, उसके बाद हमने रख दी, अब हम आमीन बोल दिया, अब हम विश्वास होना चाहिए कि परमेश्वर हमारी अगुवाई करेंगे। उसके बीच में परीक्षाएं आएंगी, उसके बीच में शरीर आपको तंग करेगा, शैतान आपको तंग करने की कोशिश करेगा कि पाप में गिर, हाँ ऐसा होगा, ताकि जो कुछ आपने मांगा है वो बीच में लटक जाए और परमेश्वर आपकी अगुवाई ना कर पाए। क्योंकि जैसे ही आप परमेश्वर की आज्ञाओं से हटेंगे, आप पाप में जाएंगे, परमेश्वर की अगुवाई बंद हो जाएगी। शारीरिक कान तो खुले रहेंगे लेकिन जो अंदर वाले कान हैं वो बंद हो जाएंगे और परमेश्वर आपकी अगुवाई नहीं करेगा। आप बैठेंगे तो चर्च में, बोलेंगे तो आमीन, बोलेंगे तो हालेलुया, लेकिन अगुवाई परमेश्वर की, वो रास्ता जो परमेश्वर ने दिखाना है वो बंद हो चुका है, उसके विषय में सब कुछ खत्म हो चुका है। और जैसे आप फिर परमेश्वर का कनेक्शन जोड़ लेंगे, फिर से परमेश्वर आपको रास्ता, गूगल मैप का इंटरनेट आ जाएगा, फिर परमेश्वर बताएगा इधर चल इधर चल इधर चल, नहीं तो वो इंटरनेट जब खत्म हो जाएगा फिर गूगल मैप जो पहले छपा हुआ था आप उसी हिसाब से चलते जाएंगे और कहीं और ही पहुंच जाएंगे। हालेलुया। क्रिश्चियनिटी बड़ी सिंपल है, सो सिंपल, कि परमेश्वर को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट बताओ, फास्टिंग प्रार्थना वाला जीवन बिताओ, उसके बाद इंतजार करो, और जो बाइबल में लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें मानो। उन्हें मानने के लिए आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं, वो तो परमेश्वर ने ऑलरेडी बाइबल में दी हुई। तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू हत्या ना करना, अपने माता पिता का तू आदर करना, मूर्ति पूजा ना करना, तो सब पहले बाइबल में दिया हुआ, उसको तो आप सुनेंगे थोड़ी, वेट थोड़ी करेंगे। जैसे लोग बोलते हैं भैन जी बपतिस्मा ले ले, नहीं जी मैं तो बस
रब की आवाज की वेट कर रही है। पता नहीं प्रभु ने केड़ा माइक लैके तेन थले आवाज मारनी कि भैन ले लै बपतिस्मा। बाइबल च लिखिया जेड़ा बपतिस्मा लेगा ओदा उद्धार होएगा। होर कितना आवाज मारे तुहानू, केड़ी भाषा च मारे आवाज। जो आवाज वो पहले लिख चुका है वो कभी बोल के नहीं बताएगा। आप 40 रोजे रख लो, 40 साल रख लो, जाओ। जो लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस हैं, जो लिखी हुई बाइबल है, जो लिखा हुआ वचन है, उसके विषय में परमेश्वर आपसे बात क्यों करेगा? वो लिखा हुआ आप उसको मानो, उसको फॉलो करो। अब आपने लिखा हुआ मान लिया, आपने प्रेयर रिक्वेस्ट परमेश्वर के सामने रख दी। अब सामने आपके दो कैरियर है कि परमेश्वर मैं ये वाला कैरियर चुनूं कि ये वाला कैरियर चुनूं, मैं ये वाली दुकान खोलूं कि बाहर चला जाऊं। अब ये चीज बाइबल में नहीं लिखी, लेकिन अगर हमने प्रेयर रिक्वेस्ट रखी होगी, प्रार्थना रखी होगी और लिखी हुई वचन को माना होगा, तो अब दोनों में से जो सही होगा वही परमेश्वर को चुनाव करेगा आपके लिए। लेकिन अगर हमने प्रेयर रिक्वेस्ट रखी नहीं, बाइबल का वचन माना नहीं, तो हो सकता है जो आपको बेस्ट लग रहा हो फ्यूचर में आपके लिए फलदायक ना हो। लोग बोलते हैं आप बड़ा काम चलता हाडे पिंड, खोल लो खोल लो खोल लो, और वो फेल हो गए। क्यों? क्योंकि किसी के लिए जो फलदार है आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। तो मेरे लिए क्या फलदार है, मैं कैसे बिलीव करूं? मैंने अपनी लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में इतनी प्रार्थना कर ली थी हर विषय के लिए। आप लगा लोगे अगर 2004 से मैं प्रार्थना कर रहा हूं हर विषय के लिए, मेरा फ्यूचर ऐसा हो ऐसा हो ऐसा हो। अब 2014 में जब मैरिज करनी थी, मैं इतनी प्रार्थना कर चुका था, मुझे मालूम था कि मैं राइट पर्सन को चुन रहा हूं। आप समझ रहे मेरी बात? क्योंकि उसके विषय में मैंने प्रेयर भी कर ली थी, उसके विषय में मैंने इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर ली थी, जो लिखा हुआ था फॉलो कर लिया था। अब मालूम नहीं था किससे करनी, क्योंकि ये लव मैरिज नहीं थी। एंगेजमेंट वाले दिन जब एंगेजमेंट हुई, कल के दिन 17 जनवरी, एंगेजमेंट के बाद हम पूछ रहे थे तेरी जात, तेरी कास्ट कौन सी? अच्छा फैसी आ कास्ट दे, क्योंकि हम दो एक दिन पहले मिले थे सिर्फ। अब इमेजिन करो, और मैंने लोगों को डिवाइन रिश्ते त्यागते हुए देखा है। पता है क्यों? कास्ट नहीं मिली, फाइनेंशियल स्टेटस नहीं मिला। कास्ट मिला लो तो छित्तर पनीर की रोटी भावे रोज खा लो घर, कि छित्तर भी पकया तो पनीर भी पकया, पनीर भी चल रहा है तो नाल छित्तर भी चल रहे, वो भावे रोज खा लो, पर कास्ट नहीं इधर उधर होना। छित्तर पनीर खा लांगे कोई गल ना, तो कास्ट के बीच में जाओ ना तो आउटसाइड जाओ, परमेश्वर के बीच में रहो। वो जहां रखे बेस्ट रखेगा। वो कास्ट के बीच में हो बाहर हो परमेश्वर को कोई मतलब नहीं। अगर अपनी कास्ट में करना ये पाप नहीं है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई को मांगो कि कहां जाना है आप। आमीन। हर एक विषय पर जिसपे संपूर्ण प्रार्थना हो जाएगी, टाइम लगा के फुली प्रार्थना हो जाएगी, उसके लिए परमेश्वर के सामने आप प्रेयर रिक्वेस्ट रख देंगे, उसके बाद लिखे हुए वचनों को मान लेंगे, तो आप बिलीव करो वो आपके लिए रास्ते निकाल देंगे। आपने अपने फाइनेंशियल स्टेटस के लिए प्रार्थना कर दी, आपने संपूर्णता के साथ परमेश्वर के सामने अपनी चीजों को रखा है। अब दूसरा कदम क्या है? जो आज्ञाएं हैं उन्हें मानना। आपको मालूम है आपने अभी व्यभिचार में नहीं जाना, रात को ब्लू फिल्म में देखोगे, सुबह प्रभु की अगुवाई की आप बिल्कुल आस मत रखो। अब आपने, आपको मालूम है अगर फाइनेंशियल में आपको आपको बढ़ना है, आपको टाइथ देना है, आप सारी चीजों को जब फॉलो करना शुरू कर देते हैं, परमेश्वर एक ना एक दिन ही वो रोज आपको धीरे धीरे करके अगुवाई करता है और आपको फाइनल डेस्टिनेशन में ले जाता है। अपने पड़ोसी को बोलो क्रिश्चियनिटी इज सो सिंपल, ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान है, क्योंकि वचन ऐसा कहता है कि उसकी आज्ञाएं कुछ कठिन नहीं। आमेन। आज्ञाएं कठिन है क्या? नहीं कठिन। रास्ता तंग है, मतलब तंग रास्ता कहने का मतलब यह है कि हमको एक थोड़ा सा बस यही रास्ता मिला, हम इधर उधर नहीं जा सकते, सब मेलों में हम नहीं जा सकते, सब जगहों पे हम नहीं जा सकते, सब रिश्तेदारों की सब बातों को हम नहीं मान, सब रीति रिवाजों में हम नहीं घुस सकते। रास्ता हमारा तंग है, लेकिन लिखा तंग रास्तों में उत्तम पदार्थ पाए जाते हैं।
अगर उत्तम पदार्थ चाहिए तो तंग रास्ते में मिले। एक ग्राम अगर सोना धरती से निकालना हो तो 1,000 किलो 1 टन मिट्टी को छानना पड़ता है। 1 टन मिट्टी जब मशीन छानते हो, कि अफ्रीका में मैं खुद गया हूं गोल्ड खदानों के ऊपर, 1 टन मिट्टी जब छानती है तो 1 ग्राम सोना निकलता है, और कई बार पूरा पहाड़ छानते सोना निकलता ही नहीं। जो प्रेशियस चीजें हैं, जो कीमती चीजें हैं, जो आपके गले पे लगी, आपके मुंदरियों में, आपके आपकी उंगलियों में पड़ी हैं, वो प्रेशियस चीजों को निकालने में मेहनत लगती है और टाइम लगता है और फोकस लगता है। हालेलुया। लेकिन अगर पत्थर निकालने हो जमीन से तो जहां मर्जी जाओ, जहां पत्थर है जेसीबी लगाओ और ट्रक भर दो, 2 मिनट लगेंगे, लेकिन वो ट्रक के भाव से बिकेंगे, ग्राम के हिसाब से नहीं बिकेंगे, टन के हिसाब से बिकेंगे। हालेलुया। अगर आपको प्रेशियस चीजें चाहिए, कीमती चीजें चाहिए, अनमोल चीजें चाहिए, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, फोकस रखना पड़ेगा, शरीर पर कंट्रोल करना पड़ेगा, आज्ञाओं को मानना पड़ेगा, वो सब चीजें आपके पास होगी जो आपको चाहिए। अपने पड़ोसी को बोलो उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, उसकी आज्ञाओं को मान और अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट को परमेश्वर के सामने रख, अपनी प्रार्थना को सामने रख, तेरे सामने एग्जैक्ट वही होगा जो तू मांग रहे है। यीशु मसीह के नाम में यह वचन सील हो आपके दिमागों, दिलों और आत्माओं में। आमीन। ऊंचाई आशीष आपके चर्च। अपने हाथों को उठाओ, सब जन खड़े हो जाओ। थैंक यू जीसस। ऊंची आवाज में बोलो थैंक यू जीसस। बोलो उसकी आज्ञाएं कुछ कठिन नहीं। फिर से बोलो उसकी आज्ञाएं मुश्किल नहीं। अपने हाथों को उठाओ। मेरे ऑफिस से ऑयल लेके आओ जल्दी 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 से। आज जब ऑयल आप पे आए, मसा आप पे आए, आपके दिल दिमाग खुल जाए, खुदावंद आपको गाइड करे, हर एक चीज जो शैतानी है, वो चीजें जो आपको अगुवाई से रोकती हैं, अपने साथ शैतान आपको कनेक्ट रखता है पाप से, बीमारी से, वो चीजें आज जैसे ही आप प्रार्थना को रिसीव करें आपकी बॉडी को, जीवन को छोड़कर चली जाए। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी चर्च। मैं ऑनलाइन देख रहा हूं गुरदासपुर, ह्यूज ब्लेसिंग को, लुधियाना, फिरोजपुर, ह्यूज ब्लेसिंग्स को, पटियाला, ह्यूज ब्लेसिंग्स को मैं देख रहा हूं आशीषों को आपकी लाइफ पर, आपके मिनिस्ट्री, आपके चर्च पर आते हुए। आमीन। ऊंचाई आशीष आपकी। बोलो हर वो चीज, हर वो शैतानी शक्ति जो मेरे साथ अपने आप को जोड़ती है और मुझे अगुवाई लेने से रोकती है, पाप के जरिए, जादू के जरिए, डिस्ट्रक्शन के जरिए, डर के जरिए, बीमारी के जरिए, कमजोरी के जरिए, शारीरिक कमजोरी, मानसिक कमजोरी, शारीरिक कमजोरी, आत्मिक कमजोरी, जितने अंधकार की शक्तियां मुझे अपने साथ जोड़ती हैं, इन चीजों को देने के लिए आज मैं यीशु की हजूरी में अपने हाथों को उठाता हूं, उठाती हूं, रिलीज करता हूं फायर, रिलीज करता हूं फायर, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट, हर वो कनेक्शन बोलो टूट जाए शैतान के साथ, टूट जाए जो मुझे अपने साथ जोड़ता है बीमारी के जरिए, डर के जरिए, टूट जाए, बढ़ो सही यीशु मसीह के नाम में। ब्रेक करो, ब्रेक करो, ब्रेक करो, तभी परमेश्वर की अगुवाई आप लेने पाओगे, तभी वो अगुवाई लेने पाओगे। शैतान के कनेक्शन तोड़ दो, पूरा टूट जाए। टूट जाए, टूट जाए, बी ब्रोकन, बी ब्रोकन, बी ब्रोकन, बी ब्रोकन, टूट जाए यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। ब्रेक करो, 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 टूट जाए, बोलो टूट जाए अंधकार की शक्तियां जो मेरे साथ कनेक्शन बनाती,
झोला टूट जाए, कमजोरी के साथ, डर के साथ जो मेरे साथ अपने आप को छोड़ती है, बोलो टूट जाए। तोड़ो उस कनेक्शन को, तोड़ो उस कनेक्शन को, तोड़ो 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 तोड़ो, होली गोस फायर से तोड़ो। मेरी लाइफ में, मेरे फाइनेंस में, मेरे बच्चों में, मेरी फैमिली में अंधकार की शक्ति जो कनेक्शन बनाना चाहती है, वो कनेक्शन पर आग उतरे। बोलो कनेक्शन, कैच फायर, 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 कमांड करो फायर का उस कनेक्शन के ऊपर यीशु मसीह के नाम में। मैं वोमिटिंग्स को आता हुआ देख रहा हूं, दुष्ट आत्मा को जाता हुआ देख रहा हूं, जादूगर को जाता हुआ देख रहा हूं, नशे को जाता हुआ देख रहा हूं, नशे की आत्माएं कैच फायर, नशे की आत्मा कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर, कैच फायर। मैं हार्ट प्रॉब्लम को जाता हुआ देख रहा हूं, रीढ़ की हड्डी के रोग को जाता हुआ देख रहा हूं, सारे कनेक्शन जो शैतानी है बोलो कैच फायर, सारे कनेक्शन जो शैतानी है बोलो कैच फायर, ऊंचे बोलो कैच फायर, इसका प्रेशर कम नहीं करना है। रिलीज करो, रिलीज करो फायर को, रिलीज करो। मैं गुप्त बीमारियों को जाता हुआ देख रहा हूं कि यंग लड़के से बिल्कुल खामरा चर्च में वो आगे की साइड बैठा होगा, खड़ा होगा, गुप्त रोगों को मैं जाता हुआ देख रहा हूं। होली गोस, होली गोस, होली गोस, होली गोस, होली गोस, होली गोस, होली गोस। मैं आशीष के शब्दों को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं, मैं ब्लेसिंग्स को आपकी लाइफ के ऊपर रिलीज करता हूं। आप अपनी लाइफ में टूटेंगे नहीं, आज से आप बनाए जाएंगे, बढ़ते जाएंगे अपनी मंजिल की ओर। हर एक दुष्ट आत्मा जो नशे का है आपके साथ, उस कनेक्शन को आज मैं तोड़ देता हूं, उस नशे की आत्मा के साथ, बांझपन की आत्मा के साथ सारे कनेक्शन मैं तोड़ता हूं, डर की आत्मा के साथ सारे कनेक्शन को तोड़ता हूं, फियर की आत्मा, डर का आत्मा, यीशु मसीह के नाम में मेरी कमांड को सुनकर निकल जाए आपके जीवनों को छोड़ के। डिप्रेशन चला जाए, डिप्रेशन चला जाए, रोग चले जाए, बीमारियां चली जाए, बीमारियां चली जाए, डिप्रेशन चला जाए। आमीन, ऊंचा आशीष आपकी है। बोलो हर वो बीमारी, हर वो दुष्ट आत्मा जो मेरे साथ कनेक्शन को बनाता है, जादू के द्वारा, टोने के द्वारा, डर के द्वारा, पाप के द्वारा, टूट जाए, टूट जाए। रिलीज करो होली गोस्ट फायर, तोड़ो उन्हें यीशु मसीह के नाम में, तोड़ो उन्हें, तोड़ो उन्हें, तोड़ो उन्हें। वो डेविल, वो शैतान, वो बीमारी, वो नशा, ब्रेक इट, ब्रेक इट, तोड़ो उन्हें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। वो कनेक्शन बोलो टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए, तोड़ो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, ऊंची आवाज में। आत्मा हमारे बीच में, रिलीज करो, रिलीज करो, तोड़ो उस कनेक्शन को। ब्रेक करो, देखो अपनी आत्मा में उस कनेक्शन को। व्यभिचार का हो सकता है, वो चोरी का हो सकता है, वो डर का हो सकता है, कमजोरी का, शारीरिक कमजोरी का हो सकता है, हर वो कनेक्शन बोलो टूट जाए, टूट जाए, टूट जाए। तोड़ो उसे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में, तोड़ दो अपनी फैमिली से, तोड़ दो फाइनेंस, तोड़ दो शरीर से, ब्रेक करो यीशु मसीह के नाम में।
करु यहोवा दा, पा करु मसीहा दा, वसदाए साडे अंदर ते मोचा लग पिया ने के मोचा लग पिया ने जिने वयखा वाली हटाइए छिली पयखा वाली छिली पयखा वाली आओ हटाइए रूहे खुदा नो दासी बनाइए रूहे खुदा नो दोस्त बनाइए झिल्ले वाली अपने हाथ को उठाओ बोलो हर वो कनेक्शन जो मेरे साथ शैतान को जोड़ता है बोलो टूट जाए वो शरीर हो आत्मिक हो तोड़ो उसे यीशु मसीह के नाम में ब्रेक करो इसे यीशु मसीह के नाम में शरीर की सारी बीमारियां आपको छोड़ के जाए शरीर के सारे रोग आपको छोड़ के जाए शरीर की सारी बीमारियां आपको छोड़ के जाए शरीर के सारे रोग आपको छोड़ के जाए हर तरह का रोग आपको छोड़ के जाए रीढ़ की हड्डी के रोग आपको छोड़ के जाए रीढ़ की हड्डी के रोग आपको छोड़ के जाए बीमारियां आपको छोड़ के जाए हृदय रोग आपको छोड़ के जाए सिर के रोग आपको छोड़ के जाए आंखों के रोग आपको छोड़ के जाए सिर के रोगों को मैं निकलता हुआ आपकी बॉडी से छोड़ के जाता हुआ देख रहा हूं मैं हीलिंग को देख रहा हूं डिलीवरेंस को देख रहा हूं लेडीज के ऊपर हीलिंग को देख रहा हूं उनके कंधों के ऊपर उनके उनके चेस्ट के ऊपर मैं हीलिंग को देख रहा हूं कंधों के ऊपर हीलिंग को देख रहा हूं सर्वाइकल के रोगियों की हीलिंग को देख रहा हूं जितने सर्वाइकल के रोगी अपनी गर्दन को हिलाओ जो नहीं कर सकते उसे करो यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है राइट नाउ बी हील्ड इन जीसस नेम चंगे हो जाओ तुम अब्राहम के वंश के हो यीशु मसीह ने कहा था ये औरत जो 18 साल से शैतान से जकड़ी हुई थी और ये अब्राहम के वंश से क्या ये ना छुड़ाई जाती ये अब्राहम को शारीरिक आशीष देने का वायदा परमेश्वर का है अब अब्राहम के अगर वंश के हैं जीसस क्राइस्ट के साथ हैं बैप्टिज्म ले लिया मैं आपकी बॉडी को कमांड करता हूं चंगी हो जाए सब बीमारियां निकल जाए आपकी बॉडी को छोड़ के हालेलुया अपोस्टल जी ये भाई 2 साल से कहते कि रीढ़ की हड्डी में बहुत भयानक दर्द स्वेयर पेन थी रीढ़ की हड्डी में बहुत सी मेडिसिन खाई लेकिन कोई आराम नहीं आ रहा था कहते कि मैं अपने पैरों के भार नहीं बैठ सकता था अपने पैरों को झुक के टच नहीं कर सकता था ज्यादा देर कुर्सी पे नहीं बैठ सकते थे इनकी जॉब ऐसी थी कि 10 घंटे बैठना पड़ता था लेकिन जॉब इन्हें छोड़ने तक नौबत आ गई थी इस बीमारी की वजह से लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ और ये भाई इस रीढ़ की हड्डी के स्वेयर बीमारी से पूरी तरह से फ्री हो चुके हैं तारीफ करो जोर अपोस्टल जी 1 साल से इस बहन की जो बच्चेदानी से यूट्रस वो अपने आप बाहर आ जाता था और इतनी ज्यादा इनको समस्या थी ये 1 मिनट भी अपने पांव के बल बैठ नहीं पाते थे और जैसे ही आपने जब प्रार्थना की थी परमेश्वर की आत्मा ने छुआ उस दिन के बाद ये बहन पूरी तरह से हील हो चुकी है अपने आपको चेक करके आए पूरी तरह से कंप्लीटली आज ये बहन हील है अपोस्टल जी तारीफ करो जोर हालेलुया अपोस्टल जी स्पेशली अमेरिका से आए अपनी गवाही देने के लिए कि इनके हस्बैंड जो साथ में है इनके 6 साल पहले राइट घुटने में अचानक कहते काम करना बंद कर दिया और लंगड़ाकर चलने लगे और बिल्कुल फोल्ड और मूव नहीं कर पाते थे जब डॉक्टर के पास गए तो कहते कि उन्होंने बोला कि 2017 में कि आपका घुटना रिप्लेस करना पड़ेगा घुटना बदलना पड़ेगा और 2020 में अमेरिका में इन्होंने घुटना ट्रांसप्लांट करवा दिया टोटली चेंज कर दिया गया फिर भी कहते कि आराम नहीं आया उसमें पस भरने लगी और 3 बार अमेरिका में सर्जरी हुई और इंजेक्शन के द्वारा ऑपरेशंस के द्वारा इनके पस बाहर निकालते थे लेकिन फिर भी आराम नहीं था कहते हैं बड़ी परेशानी में थे घुटना पूरा चेंज किया 3 ऑपरेशन 3 सर्जरीज कहते कोई आराम नहीं आ
होनी शुरू हुई, जख्म सूखने लगे। कहते हैं जो सर्जरी से नहीं बन पड़ा, अमेरिका के डॉक्टर्स हैरान थे, खुदा की आत्मा ने छुआ, अपने गवाही देने के लिए जाए हैं कि अपने पैरों के बल खड़े। पांच साल से इस भाई को गले का रोग था, इनके गले के अंदर बहुत बड़े बड़े टॉन्सिल्स बने हुए थे। और अपोस्टल जी, जब 9 जनवरी 2020 को जब ये चर्च में आए, तो आपने इनके लिए एक प्रोफेसी की थी, भविष्यवाणी हुई थी, वो प्रोफेसी का वीडियो हमारे पास है। आइए हम स्क्रीन के ऊपर उस प्रोफेसी को देखते हैं। मैं ऐसे व्यक्ति को देख रहा हूँ जो मेडिकल फील्ड में काम करता है, डॉक्टर्स के साथ वो काम करता है, और उसके गले में इन्फेक्शन है, तो कंफ्यूज हो चुका है, लेकिन परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है कि वो तुझे हील कर रहा है। आज अभी मीटिंग में बिल्कुल हील होगा, बिल्कुल डिलीवर होगा, तू चंगा हो चुका है। मैं तुझे देख रहा हूं, तू एक यंग लड़का है, परमेश्वर का आत्मा तेरे गले को छू रहा राइट नाउ, बी हील्ड इन जीसस नेम। और अपोस्टल जी, जब आपने प्रोफेसी की थी कि एक भाई है वो मेडिकल फील्ड में है, ये ब्रदर खुद मेडिकल फील्ड में थे, इनको गले का रोग था, टॉन्सिल बने हुए थे, जैसे ही आपने इनके लिए प्रोफेसी की, उसके बाद इन्होंने अपने आप को चेक करके देखा, वो 5 साल पुराना जो गले का रोग था उस दिन पूरी तरह से गायब हो चुका है, कोई गले का रोग नहीं है। और आज ये कंफर्म करने आए जी अपोस्टल जी, प्रोफेसी के बाद आज कंफर्म करके हील होके आए वापस गवाही देने के लिए। उस दिन भी गवाही थी इनकी जी अपोस्टल जी, उस दिन भी इनकी गवाही हुई थी। तारीफ करो जोर से। हालेलुया, पसे ये भी अमेजिंग टेस्टिमनी है। ये कहते हैं कि मैं एक्सरसाइज कर रहा था पोल के ऊपर, और कहते हैं अचानक से मेरा पैर फिसला और सामने वाले पोल पे, कहते हैं इतनी जोर से मेरा घुटना लगा, ऐसे लगा कि जैसे घुटना ही टूट गया हो, इतनी आवाज आई, इतनी दर्द हुई कहते हैं, और मांस फट गया था, मूव नहीं कर पा रहे थे, बहुत सी मेडिसिन कहते हैं खाते रहे, लगातार पेन किलर्स लेते रहे और नी कैप डाल के रखते थे, लेकिन कोई भी आराम नहीं आ रहा था, लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ ही अपने पैरों के बल खड़े। तारीफ करो जोर, अपने हाथों को उठाओ, रिसीव करो, क्योंकि अब अब्राहम के वंश के हैं। अपोस्टल जी, 2 साल पहले इस बहन के गुप्तांग के ऊपर 2 बड़ी-बड़ी रसौलियां हो गई थी, और उनका आकार ऐसे था जैसे एक बड़ी गेंद होती है, जिसके क्रिकेट खेलते हैं वैसी गेंद के आकार की 2 बड़ी रसौलियां, इसमें हर समय ब्लड निकलता रहता था। और अपोस्टल जी, जब आपने प्रार्थना की थी, इन्होंने अपने को चेक करके देखा, तो वो दोनों रसौलियां जो गुप्तांग के ऊपर बड़ी बड़ी थी, वो पूरी तरह से गायब हो चुकी है, कोई रसौली नहीं है अपोस्टल जी इस बहन के अभी। हालेलुया पसी, ये बड़ी अमेजिंग, बड़ी बिग टेस्टमनी। ये भाई आज पहली बार चर्च में आए, 15 साल से ड्रग्स के इंजेक्शन लेते थे, हर रोज 6 इंजेक्शन। कहते हैं किसी ने बताया चर्च में जाओ फ्री इलाज होगा, तुम्हें कहीं अपना घर बार छोड़ के किसी काउंसलिंग के लिए जाना पड़ेगा। और पसी जी सुबह से कहता है मेरा मन ने किया, एक भी चिट्टे का इंजेक्शन नहीं लगाया, 6 इंजेक्शन रोज के, हर रोज 15 साल से ये भाई लगाता था। जोर से तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, ये भाई, ये ब्रदर आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं, और 3 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण इनका लेफ्ट घुटना पूरी तरह से टूट गया था, 2 बार ऑपरेशन भी करवा चुके हैं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। आज पहली बार ही चर्च में आए, परमेश्वर ने छुआ और अपने आप चल पा रहे हैं भाई। फिर से कौन है ये? सजावा मुक्त गई। हालेलुया, ये भी बड़ी टेस्टमनी, बिग टेस्टमनी। इस भाई को पैरालाइज का अटैक हुआ था, पूरा मुंह टेढ़ा, एक साइड रुक गई थी, व्हीलचेयर के ऊपर थे, लेकिन आज खुदा की आत्मा ने छुआ है, चलो 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 छोड़ के भाई चलने लगा है। कितना, कितनी सुंदर लाइन है कि रूहे खुदा नु दोस्त बनाई। अगर वो आपका दोस्त है तो सब कुछ पॉसिबल है। और अपोस्टल जी, 7 साल से, ये अभी की टेस्टमनी है कि 7 साल से ये बहन जब भी नीचे बैठते थे उसी समय इनका यूट्रस बाहर आ जाता था। अपोस्टल जी, अभी जैसे ही आपने प्रार्थना की, ये बहन पीछे से भाग के आगे आए और चेक करके देखा, 7 साल पुराने उस रोग से पूरी तरह से हील हो चुके अपोस्टल जी। अभी ये बहन परमेश्वर का वचन कहते हैं, जो रिलीजियस लोग थे वो गुस्सा हो गए प्रभु से, कहते तेन पता नहीं तू सब लोगों को चंगा करता रहना तू है। यीशु मसीह ने कहा, ये औरत जो कुबड़ी थी, 18 साल से शैतान के बंधन में थी, क्या ये जो अब्राहम के वंश की थी, क्या ये आज छुड़ाई ना जाती? उसने ये नहीं कहा कि ये कौन थी, क्या थी, उसने कहा ये अब्राहम के वंश की थी। आप मसीह के हैं, कॉन्फिडेंस है इतना, बैप्टाइज हैं, अब अब्राहम के वंश के, हर दुष्ट आत्मा को छोड़ के चली जाए, हर स्ट्रगल आपको छोड़ के चला जाए, हर रोग आपको छोड़ के चला जाए। बी
healed in Jesus name. वो सारे कर्म मेरी आवाज को सुने और फलवंत हो, बिजनेस फलवंत हो, बॉडीज हील हो, पैरालिसिस जाए, व्हीलचेयर के रोगी चंगे हो, शिकंजे के रोगी चंगे हो, एक्सीडेंट के रोगी चंगे हो, दबे के रोगी चंगे हो, बी हील्ड इन जीसस नेम। लड़कों को स्टेज पे आने की बीमारी है लेकिन काम करने की बीमारी नहीं। सारे कर सारे रोग आपकी बॉडी को छोड़ जाए राइट नाउ। सारे कर सारे श्राप आपके शरीर को छोड़ जाए राइट नाउ। गंदी आत्माएं व्यभिचार के सपने में गलत काम करने की आपकी बॉडी को छोड़ के जाए राइट नाउ। Hallelujah. Chilli paya kavaliya hataiye, chilli paya kavaliya. Hallelujah, Apostle ji, ye behan 12 saal pehle kehte seedhiyon se gir gaye the aur 12 saal se reed ki haddi mein dikkat thi aur belt laga kar rakhte the, lekin aaj vishwas ke saath prabhu ke ghar mein hai aur 12 saal ka rog aaj jata raha. Oh Jesus. Aaj Bible ke vachan poore ho rahe hain. 12 saal, 18 saal, 36 saal. Oh Jesus. Apostle जी, ये बहन को 15 दिन से लगातार ब्लीडिंग हो रही थी और इन्होंने इलाज भी कराया, मेडिसिन भी खाई, लेकिन वो ब्लीडिंग अपने आप स्टॉप नहीं हो रही थी। सबसे सुंदर बात क्या है, बहुत से लोग हीलिंग ले जाते हैं लेकिन टेस्टिमनी देने नहीं आते, खासकर जो गुप्त रोग के बीमारी है, जिनको एड्स था, जिनको ऐसी चीजें थी। बहुत कम लोग होते हैं जो आके बोलते हैं कि हम एड्स से फ्री हुए, उन्हें लगता है कि हम एड्स कहेंगे तो हमें समाज तंग ना करे। बहुत कम लोग हील बहुत लोग होते हैं लेकिन टेस्टिमनी थोड़े देने आते हैं कि मुझे एड्स था, मुझे ये था, मुझे गुप्त रोग था। एक दिन मैं प्रेयर लाइन में प्रेयर कर रहा था तो मैंने एक चेहरा देखा जो मेरा जाना पहचाना था। मैंने कहा यार तू प्रेयर लाइन में क्यों खड़ा है? मैं कहता इसके लिए प्रेयर कराने, अपने कोई काम था उसका। मैंने कहा नहीं नहीं तेरी एक प्रॉब्लम थी बहुत बड़ी, उसके उसको गुप्त रोग था, वो शादी नहीं कर सकता था वो आदमी, बिल्कुल मैरिज नहीं करा। वो इस चीज के लिए वो ले हैंड करवाने आता था और मैंने उस पर कम से कम 10 बार ले हैंड किया, मुझे मालूम था ऐसे लोग। मैंने कहा वो क्या हुआ उस चीज का? कहता नहीं जी मेरा तो ब्याह हो गया, मेरे तो 3 बच्चे आओ, अब मैं और किसी चीज के लिए प्रार्थना करवाने के लिए आया। एक बात श्योर, अब सोच लो शर्मिंदगी नहीं रहेगी, नेवर। आप ये सोच लो आप बने ही नहीं हो इस चीज के लिए। शैतान जितना मर्जी आपको भरमाए, आपके परिवार को दिखाए, आपके आपके गरीबी को दिखाए, आपके चैलेंज को दिखाए, मैं आपको सच कह रहा हूं अगर आप आज्ञाओं पे बने रहे खड़े रहे, शर्मिंदगी टूटेगी, मरेगी, जाएगी, खुद शर्मिंदा होगी यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि मैं आपको अपलिफ्ट होता हुआ देख रहा हूं अपनी आत्मा में, मैं आपको बढ़ता हुआ देख रहा हूं अपनी आत्मा में, मैं आपके परिवार को बढ़ता हुआ, बच्चों को बढ़ता हुआ, फाइनेंस को बढ़ता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। अब्राहम के वंश के हो, सारी एक्सेस ब्लीडिंग स्टॉप हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम के वंश के हो, सारी रसौलियां गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। अब्राहम के वंश के हो, तुम जिस स्थान पर पांव रखोगे वो जमीन तुम्हारी होगी, बाइबल कहती है। आमीन। ऊंचा चाहिए मेरे को आशीष आपकी हो। सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात। आपको लगता है कि आपने वो मोहल्ले में एक घर लिया, अब आप दूसरा घर लेने जा रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आपकी बाउंड्रीज मोहल्ले से बाहर करने वाला है। वो आपकी हाथों को, आपके डेरे, आपके तंबू को बाहर लेके जाएगा, आपके डेरे के जो पट, उसने कहा अपने डेरे को चौड़ा कर ले, चौड़ा कर ले, उधर आशीष बढ़ने वाली है। तुझे अपना डेरा चौड़ा करना पड़ेगा, आपकी ब्लेसिंग बढ़ने वाली, मैं डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ सब जन,
अपोस्टल जी, ब्रांचेस से बहुत सी टेस्टमनीज आ रही हैं। सिस्टर मनप्रीत फिरोजपुर से टेस्टमनी है कि 12 साल से मनप्रीत इनके लेफ्ट ब्रेस्ट में, कहते हैं, बहुत बड़ी रसौली थी। इतनी बड़ी थी कि इन्हें अपने जो है ड्रेस वो उसकी फिटिंग नहीं करते थे, बहुत खुला डालते थे कि लोगों को देखने में ना पता चले। लेकिन वो परमेश्वर की आत्मा ने छुआ और वो रसौली पूरी तरह से गायब हो चुकी है 12 साल के बाद। खो की टेस्टमनी फिरोजपुर से, और 7 साल पहले किसी ने इनके जादू टोना कर दिया था। उसी दिन से सपने में जले लोग दिखाई देते थे, लेकिन फिरोजपुर में काले रंग का धागा बाहर निकला है और पूरी तरह से ये बहन फ्री है। सिस्टर रजनी फिरोजपुर से, इनके बेटे को लगातार 103 डिग्री बुखार, हाई फीवर रहता था, हाई रिस्क पे था, और कहते हैं कि बहुत सी मेडिसिन खाई लेकिन ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन आज जैसे ही फिरोजपुर में पहुंचा है ब्रांच में, पूरी तरह से जो है टेम्परेचर नॉर्मल हो चुका है। ओह जीसस। अपोस्टल जी, ये भाई आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं और 3 साल से ये चिट्टे का नशा कर रहे हैं और दिन में 4 से 5 बार उसका यूज करते थे। ये भाई बता रहे हैं कि मैं सुबह का आके परमेश्वर की हुजूरी में बैठा हूं और आज पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे 1% भी नशे की, चिट्टे की कोई तलब तक नहीं लगी और मैं अंदर से पूरी तरह से डिलीवर हो चुका हूं। अपोस्टल ये खुद कह रहे हैं अभी ये। हालेलुया, बस ये भी एक बड़ी टेस्टमनी है। 13 साल से इस बहन को गुप्त रोग था और आज जैसे ही आपने बोला कि सारी बीमार बॉडीज चंगी हो जाएं, तभी जो 13 साल से पीरियड नहीं आ रहे थे वो पीरियड आ जाए हैं, जैसे आपने बोला 13 साल बाद। यस अपोस्टल जी, इस छोटे बच्चे को 2 साल से 6 नंबर का चश्मा लगा हुआ था और ना तो ये कलर की पहचान कर पाता था। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, 2 साल के बाद चश्मा इनका उतारा गया और चेक करके देखा, बिल्कुल साफ और क्लियर दोनों आंखों से देख पा रहे हैं। 6 नंबर का अपोस्टल जी, तारीफ करो जोर से। हालेलुया, बस 4 साल से रीढ़ की हड्डी के मनको में, कहते कैप था और बेल्ट लगी थी, कोरोना अपना जोर लगा रहा है, परमेश्वर अपनी सामर्थ को प्रकट कर रहा है चर्च। और जैसे आपने बोला कि रीढ़ की हड्डियों के रोगों को मैं जाता हूं देख रहा हूं, तभी बेल्ट उतरी और पूरी तरह से हील है। ओ जीसस, तारीफ करो जोर से। अपोस्टल जी, 2.5 साल से इस भाई की चेस्ट जो थी राइट साइड से, वो पूरी तरह से ब्लॉक थी अपोस्टल जी, और इस पंप का इस्तेमाल करते थे। आज जैसे ही अपने प्रार्थना की, 2.5 साल के बाद इन्होंने पंप को दिख नहीं रहा, पंप कैमरा को चाहिए। और अभी अपोस्टल जी इनको जब चेक किया गया, ये भाई पूरी तरह से हील हो चुके हैं। 2.5 साल पुराना वो छाती का रोग इनकी बॉडी से जा चुका है अपोस्टल जी। अभी ये अब्राहम के वंश के हो, आज के बाद अपनी चाल बदल लो, वो ऐसे ऐसे चलना बंद कर दो, वो मरियल के जैसे, वो डरों के जैसे, वो अगर आज जब तुम किसी घर पे चाहे काम क्यों ना करते हो, अगर आज ऐसा नहीं चल सकते, कल भी नहीं चल सकते। मतलब तुम्हारी जो चाल है ना, वो तुम्हारे बॉस से भी बेटर होनी चाहिए, तो एक दिन तुम बन जाओगे। और ये घमंड में नहीं होनी चाहिए, ये स्पिरिट में होनी चाहिए, क्योंकि आप सुपीरियर हैं स्पिरिट में, आप स्पिरिट में टॉप पर हैं। अब्राहम के वंश के हो तुम स्पिरिचुअली इजराइली हो तुम। अपोस्टल जी, इस बहन को 12 साल से कहते हैं कि गर्दन के ऊपर एक मोटा पट्टा लगा था, 12 साल से कहते हैं कि गर्दन में इतनी जकड़न थी कि बिल्कुल घुमा नहीं पा रहे थे, लेकिन आज जैसे फायर प्रे हुई, 12 साल का रोग आज जाता रहा और मोटा पट्टा उतर चुका है। अपोस्टल जी, आओ हटाए रूहे खुदानो, रूहे खुदानो दोस्ते। अपोस्टल जी, 3 महीने पहले इस भाई का एक्सीडेंट हुआ था, जिस कारण इनकी लेफ्ट जो जांघ, जो पट की हड्डी, वो टूट गई थी और अपोस्टल जी व्हीलचेयर के सारे चलते थे। आज जैसे ही आपने प्रार्थना की, बिना किसी सारे से अपने आप अपोस्टल जी चल पा रहे हैं और पूरी तरह से हील हो चुके आज। जीसस, तारीफ करो जोर से, आराम से चलो। हालेलुया, अपोस्टल जी, लुधियाना ब्रांच से टेस्टमनी है अमरीक रानी। 8 साल पहले लुधियाना ब्रांच से एक्सीडेंट हो गया था और कहते हैं कि रीढ़ की हड्डी के ऊपर चोट लगी थी और बिल्कुल भी उठ बैठ नहीं पा रहे थे, और लुधियाना ब्रांच में खुदा की आत्मा ने छुआ और पूरी तरह से हील है। और इसी तरह से पटियाला ब्रांच से शरणजीत, तारीफ कर दो सभी, तारीफ कर दो। बहुत हो क्या रहा है आज, सुनो
परमेश्वर अपने वचन के ऊपर मोहर लगा रहे। अब्राहम के वंश के हो, आज से चाल बदल लो अपनी, क्योंकि तुम ब्लेस होने वाले हो अजीब और चमभीरिति के साथ। अपने हाथों को उठा, अगले 10 मिनट में ले हैंड करूंगा, टीम आप पर ऑयल के साथ प्रार्थना करना शुरू करेगी, टेस्टिमनीज बाद में देंगे। जल्दी जल्दी से, जल्दी जल्दी से आप मसा किए जा रहे, और ये वचन जैसे ऑयल आप पे आए, ये सील हो जाए आपके दिल दिमाग में, बैठ जाए कि आप अब्राहम के वंश के हो। आपको प्रार्थना देनी है खुदावंद को और उसके बाद इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी है। आमेन। उठाओ अपने हाथों को, जल्दी जल्दी से ऑयल ले जाओ, और लोगों पर जल्दी नहीं करना, उनको टाइम देना, एक एक जन पे पांच पांच छह छह बार। अगर आपको कहीं और बीमारी है तो अपने हाथ पर लेकर उसे उस जगह पर लगा लेना। अगले संडे और इस थर्सडे प्रभु भोज होगा, हम प्रभु भोज पहला लेंगे इस साल का, बड़ा दिन होगा। तैयारी के साथ आना, मास्क लगा के आना, और ऐसे ही हम छह छह फुट की दूरी में बैठेंगे। अपने हाथों को उठाओ, अपने हाथों को हिलाओ, इस थर्सडे इस संडे प्रभु भोज होगा। अपने हाथों को उठाओ, चर्च भवन के लिए अपने हाथों को उठा के प्रार्थना करो कि जल्दी जल्दी फिनिशिंग, जल्दी जल्दी काम सब जो चल रहे हैं, क्योंकि काम बहुत स्पीड से शुरू हुआ है, इतनी स्पीड आज तक नहीं थी, लेकिन पैसा भी जल्दी जल्दी से अब हो रहा है। मैं वर्ड्स बोलना नहीं चाहता क्या हो रहा है, तो आपको सपोर्ट में रहना है, प्रार्थना में रहना है कि सारे फाइनेंशियल इंतजाम हो। अपने हाथों को उठाओ, थैंक यू जीसस। परमेश्वर के सामने प्रार्थना करो, परमेश्वर सब फाइनेंशियल इंतजाम कर, तेरे भवन के काम में कोई भी देरी ना हो, जितना हमने सोचा है हम उसी उन्हीं दिनों तक उस भवन को कंप्लीट कर सके। अपने हाथों को उठा के भवन के लिए प्रार्थना करेंगे, 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद वर्शिप करेंगे। सब प्रार्थना करेंगे भवन के लिए, सब फाइनेंशियल इंतजाम हो, सब तरह के पैसों के इंतजाम बुरे हो, कोई भी कमी ना हो, काम रोकने की जरूरत या स्लो करने की जरूरत ना पड़े, सब काम एक तरफ से सब काम चलते जाए, भवन के कामों में कोई भी रुकावट ना आए। मांगो अपने हाथों को उठा के, ले हैंड वाले अपने हाथों को हिलाओ। अपने हाथों को हिलाओ, बोलो परमेश्वर जब मुझ पे ले हैंड हो, प्रार्थना हो, तेरा वचन पूरा हो कि मैं अब्राहम के वंश का हूं, शारीरिक आत्मिक आशीषों का हकदार हूं। जैसे मैं इन पे ले हैंड कर रहा हूं, मेरा बिलीव है मैं आप पे भी ले हैंड कर रहा हूं, मैं आपकी फैमिली के ऊपर भी ले हैंड कर रहा हूं। रिसीव करो अपनी हीलिंग को यीशु मसीह के नाम में, आमीन। ऊंचा ये आशीष आपके, रूहे खुदा नू दास बनाइए, रूहे खुदा नू दोस्त बनाइए, सजावा मुक गई आने, सजावा मुक गई आने, सजावा मुक गई आने, पाखरू यहोवादा पाखरू मसीहादा, पाखरू यहोवादा पाखरू मसीहादा, पाखरू यहोवादा पाखरू मसीहादा, पाखरू यहोवादा पाखरू मसीहादा, वसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गई आने, ते मौजा लग गई आने, मजा लग गई आने, मजा लग गई आने। पाप बेटा पाखरू रेंदे ने अंदर, पाप
आप बेटा पाकरू रेंदे ने अंदर आप बेटा पाकरू रेंदे ने अंदर आप बेटा पाकरू रेंदे ने अंदर ओसे दे विच यारो मंद समंदर ओसे दे विच यारो मंद समंदर देविका चढ़ गई आने देविका चढ़ गई आने देविका चढ़ गई आने देविका चढ़ गई आने ये भाई जो आपके सामने खड़े हैं आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं और ये बता रहे हैं कि पिछले 22 साल से ये शराब का नशा कर रहे हैं और सुबह उठते पहला काम इनका यही होता था कि इन्होंने शराब पीनी है और ये बता रहे हैं कि 22 सालों में कोई सिंगल डे एक दिन भी ऐसा नहीं गया जिसमें इन्होंने नशा ना किया हो लेकिन आज सुबह से ये परमेश्वर की हुजूरी में आए हैं और ये बता रहे हैं कि मेरा 1% भी एक सेकंड के लिए भी मेरा मन नहीं किया कि मैं नशा करूं और परमेश्वर ने इस भाई को 22 साल पुराने उस नशे से आज पूरी तरह से डिलीवर किया पूरी तरह से आजाद किया सब परमेश्वर की तारीफ करें इस गवाही के लिए हालेलुया गुरदासपुर प्रांत से टेस्टमनी है सिस्टर सत्तो की 4 साल पहले इस बहन का एक्सीडेंट हुआ था सत्तो सिस्टर और कहते हैं कि तभी से दोनों कंधों को मूव नहीं कर पा रहे थे लेकिन आज जैसे ही प्रेयर हुई है फायर प्रे हेड चर्च से तभी खुदा का आत्मा जो है फ्लो कर रहा है ब्रांचेस में और ये पूरी तरह से हील हो चुकी है और गुरदासपुर से ही अगली गवाही अलीशा की आई है इस बहन की गर्दन के ऊपर सॉली थी कहते हैं और महसूस होती थी हाथ लगाने पे दर्द होता था लेकिन आज जैसे खुदा के दास ने प्रेयर की वो सॉली पूरी तरह से गायब हो चुकी है सिस्टर सुखप्रीत लुधियाना ब्रांच से कहते हैं कि इनकी किसी की डेथ हो जाती थी डेथ स्पिरिट काम करती थी लेकिन आज जैसे फायर प्रे हुई काला साया लुधियाना ब्रांच में इस बहन को छोड़ के गया है सब जन तारीफ करते जाए लुधियाना ब्रांच से सिस्टर अंजलि अगली गवाही 4 साल से इनको इवल स्पिरिट के अटैक होते थे फैमिली के साथ झगड़ा कहते आज काला साया इस बहन को छोड़ के गया जैसे ही परमेश्वर के दास ने आज प्रेयर की है पटियाला ब्रांच से शरणजीत गिरने के कारण कहते हैं कि इनका चूल्हा टूट गया था 9 महीने पहले ऑपरेशन हुआ शिकंजे के सहारे चलते थे लेकिन जो खुदा की हीलिंग फ्लो हो रही है ब्रांचेस में पटियाला ब्रांच में ये बहन शिकंजा छोड़ा और पूरी तरह से हील है बाप बेटा पाकरू रेंदे ने अंदर बाप बेटा पाकरू रेंदे ने अंदर ओसे दे विच यारो मंद समंदर ओसे दे विच यारो मंद समंदर ये बहुत बड़ी टेस्टमनी है बिग टेस्टमनी है कि भाई आज फर्स्ट टाइम पहली बार चर्च में आए हैं और 10 साल से इनको गठिया था इनके जो घुटनों इनकी टांगों के जोड़ थे वो पूरी तरह से काम करना बंद कर चुके थे और इस शिकंजे के सारे खड़ा हो पाते थे आज जैसे ही परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की 10 साल पुराने उस गठिये के रोग से परमेश्वर ने आजाद किया और 10 साल के बाद आज ये पहली बार बिना किसी सहारे से अपने पांव के बल खुद चल पा रहे हैं सब जोर से तालियों के साथ सब परमेश्वर की तारीफ करें हालेलुया ये भाई 28 साल से चिट्टे का नशा करते थे दिन में 6 बार ये चिट्टा कहते हैं मैं लेता था लेकिन आज जैसे फायर प्रे में परमेश्वर के दास ने बोला कि नशे का आत्मा कैच फायर जैसे उन्होंने नशे की आत्मा को फायर बोला कहते हैं तभी से इस भाई ने कोई नशा नहीं किया सुबह से 6 बार रोज चिट्टे का नशा करते थे और आज पूरी तरह से फ्री है चिल्ली पैयका वाली आओ हटाइए 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 रूहे खुदा रू दोस्त बनाइए रूहे खुदा रू दोस्त बनाइए सजावा मुक गई आने सजावा मुक गई आने सजावा मुक गई आने सजावा मुक गई आओ पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा 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 फसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गई आने ते मौजा लग गई आने मौजा लग गई
यीशु जी ने कल्ले आसी नूनू अपनी था यीशु जी ने कल्ले आसी नूनू अपनी था यीशु जी ने कल्ले आसी नूनू अपनी था यीशु जी ने कल्ले आसी नूनू रूबी मामोरी दाले तकिये यीशु मुरी नारे तकिए यीशु नू वैशाना बद गई आने वैशाना बद गई आने वैशाना बद गई आने वैशाना बद गई आने पाकरू यहोवा दा पाकरू मस सब परमेश्वर की तारीफ करें जो गवाहियां आपके सामने खड़ी हैं कि जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की कि शरीर के सारे रोग बीमारियां आपको छोड़कर जाती रहे तो इनको एक बहन को 20 साल से इनको बेल्ट लगी हुई थी और बिल्कुल भी इनकी रीढ़ की जब मन के प्रेस हो गए बिल्कुल भी उठा नहीं जाता था और सबको परमेश्वर ने छुआ इनकी जीवन में काम किया हर तरह की दर्द से बीमारी से परमेश्वर इन सबको आजाद किया सब जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की तारीफ करें रूदी मामूरी दाले रूदी मामूरी दाले तकिए यसूरू पैशाना बद गई आने पैशाना बद गई आने पैशाना बद गई आने पैशाना बद गई आने पाकरू यहोवा दा पाकरू मसीहा दा 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 वसदा है साडे अंदर ते मजा लग नहीं आने ते मजा लग नहीं आने ते मजा लग नहीं आने बाप बेटा पाखरू रेंदे ने अंदर 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 होसे दे विच आरो बंदी समंदर होसे दे विच आरो बंदी समंदर चढ़ गई आने ते पीका चढ़ गई आने ते पीका चढ़ गई आने ते पीका चढ़ गई आने ओ झिल्ली पैयका वाली आओ हटाइए झिल्ली पैयका वाली आओ हटाइए झिल्ली पैयका वाली आओ हटाइए पैयका वाली आओ हटाइए दोस्ते बनाइए ससामा बुक गई आने ससामा बुक गई आने ससामा बुक गई आने ससामा बुक गई आने पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा 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 वसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गई आने ते मौजा लग गई आने ते मौजा लग गई आने इस भाई का नाम रूप सिंह है गुरदासपुर के रहने वाले हैं 15 जनवरी 2022 को इस भाई का ये कार में जा रहे थे और किसी कार के साथ टकराने के कारण इनका एक्सीडेंट हुआ और जब एक्सीडेंट हुआ तो इनको एकदम से परमेश्वर के दास के बोले गए वर्ड्स याद आए जो उन्होंने 2022 में एंटर होते वक्त कहे थे कि 2022 में जब आप एंटर करेंगे तो पहला निवाला जो आप लेंगे वो यहां का परमेश्वर के घर का अनॉइंटेड स्वीट जो आपके मुंह को लगने वाला है वो आपको सुरक्षित करेगा इनको वो वर्ड याद आए और वहां जो लोग इकट्ठे हुए एक्सीडेंट के दौरान वो बातें कर रहे थे कि पता नहीं वो बंदा मर गया है और जब इनको गाड़ी से बाहर निकाला गया तो ये बिल्कुल ये भी हैरान थे और लोग भी वहां के हैरान थे कि इनकी बॉडी के ऊपर उस एक्सीडेंट के कारण एक खरोच तक नहीं आई परमेश्वर ने इस भाई को इनकी फैमिली को सुरक्षित किया सब जोर से सब परमेश्वर की तारीफ करें सुरक्षा के लिए सब थैंक्स करें परमेश्वर का रूहे खुदा नू
से बनाइए सजा मां मुक गैया ने सजा मां मुक गैया ने इस बहन को जो है पटा लगा था मोटा और बिल्कुल गर्दन जकड़ी हुई थी, लेकिन आज जैसे अभी परमेश्वर के दास ने प्रेयर की प्रेयर लाइन में खड़े थे, इन पर हाथ रखा और तभी ये मोटा पटा उतर चुका है और ये बहन पूरी तरह से इंस्टेंटली अभी खुदा ने हील किया। सब जन जोर से तारीफ करें। सजावा मुक गई आने सजावा मुक गई आने सजावा मुक गई आने पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा पाखरू यहोवा दा पाखरू मसीहा दा हसदा है साडे अंदर ते मौजा लग गई आने ते मौजा लग गई आने। हालेलुया। इस भाई का नाम संजय कुमार है और पिछले 17 साल से ये भाई नशा करते थे। एक दिन में 4 डिब्बी सिगरेट की, 4 पैकेट गुटके के और 1 बोतल शराब का नशा करते थे, जिस कारण इन्होंने बहुत बार नशा छोड़ने की कोशिश की लेकिन कभी इनसे नशा छूटा नहीं और इसी कारण इन्होंने सुसाइड करने की भी कोशिश की। पर जब चर्च के बारे में पता लगा, इन्होंने लगातार चर्च में आना शुरू किया। 7 नवंबर 2021 को जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की नशे वालों के लिए, इन्होंने प्रार्थना को रिसीव किया और आज 2.5 महीने से ये भाई 17 साल पुराने उस नशे से पूरी तरह से आजाद हो चुके हैं। सब जोर से तालियों के साथ इस छुटकारे के लिए सब परमेश्वर की तारीफ करें अपने हाथों को उठाते हुए। हालेलुया, हालेलुया। ये भी एक बड़ी टेस्टमनी है। ये बहन के 8 साल से कहते हैं कि इनके जोड़ जो है घुटनों के पूरी तरह से जुड़े हुए थे, हर काम बैठ कर करते थे, व्हीलचेयर के ऊपर थे। अभी परमेश्वर के दास ने प्रेयर की हाथ रखकर और तभी ये बहन खड़ी हो गई है 8 साल के बाद। सब जन जोर से तारीफ करें। रूहे खुदा नु दास बनाइए रूहे खुदा नु दास बनाइए। हालेलुया, हालेलुया। ये भी एक बड़ी बिग टेस्टमनी। अगर आप बहन को पूरा देखें तो इनकी टांगे पूरी टेढ़ी हैं क्योंकि इनके रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, सीधे खड़े भी नहीं हो पाते थे, लेकिन अभी परमेश्वर के दास ने सामर्थ्य हाथ रखा है तभी ये बहन चलने लगी है, टेढ़ी टांगों के साथ चलने लगी है बहन। सब जन जोर से तारीफ करें। सब परमेश्वर की तारीफ करें। ये अभी की टेस्टमनी है। अभी परमेश्वर के दास ने इस बहन के ऊपर ले हैंड प्रेयर की और 6 साल से इस बहन की गर्दन बिल्कुल भी ये घुमा नहीं पाते थे और इन्होंने बहुत सारी थेरेपीज भी ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। अभी अभी जैसे परमेश्वर के दास ने ले हैंड प्रेयर की, 6 साल के बाद ये बहन ने अपने आप को चेक करके देखा तो ये आज पूरी तरह से हील है, इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। सब इस हीलिंग के लिए सब तारीफ करें। हालेलुया। सब जन अपने हाथ को उठाएं आमीन प्रेयर में, क्योंकि जिस तरह से हम तारीफ करते हुए नाचते हुए हम जय जयकार करते हुए हालेलुया के नारों के साथ परमेश्वर के घर में उस प्रेजेंस में हम ब्रांचेस में और ऑनलाइन क्लीसिया भी ऑनलाइन यूट्यूब के ऑन करके और परमेश्वर के घर में हम सब एक मन होते हैं। सो इसी तरह से आमीन के साथ आज की मीटिंग को हम बंद करेंगे ताकि नए मसीह को कैरी करते हुए हम थर्सडे फिर परमेश्वर के घर में हम एंटर हो सके। हालेलुया। सो सब जन आमीन प्रेयर के लिए अपने हाथ को उठाएं। थैंक यू जीसस। तेरा आत्मा छुए एक एक जन को परमेश्वर, तेरा पवित्र आत्मा की सामर्थ उतरे एक एक जन के ऊपर खुदावन और तेरी रियल विल तेरी योजना इनकी लाइफ्स में पूरी हो परमेश्वर। एक एक जन को तू छुएगा, तू ब्लेस करेगा, तू आजाद करेगा परमेश्वर, कर्ज तो तोड़ेगा खुदावन, तू छुटकारा देगा परमेश्वर, क्योंकि तू सच्चा हीलर है परमेश्वर। तेरे पास ही चंगाई है, तेरे पास छुटकारा है, तेरे पास सामर्थ्य है परमेश्वर, तेरे पास एबिलिटी है टेस्टिमनीज को देने की परमेश्वर, तेरे पास योग्यता है किसी की लाइफ को चेंज करने की, किसी को ऊंचा करने की परमेश्वर। तेरा धन्यवाद हर एक जन के लिए और मेरा विश्वास है कि जितने भी जन परमेश्वर तेरी आज्ञाओं को मानेंगे, क्योंकि तेरी आज्ञाएं कठिन नहीं, जैसा परमेश्वर के दास ने आज प्रीच किया परमेश्वर, जितने भी तेरी आज्ञाओं को मानेंगे पवित्रताई में खुदावन और प्रेयर में परमेश्वर, रोजों में और बाइबल रीडिंग में परमेश्वर, तेरे आज्ञाओं को मानते केवल तुझे ही अपना परमेश्वर मानेंगे परमेश्वर, तूने बड़ा करेगा, ऊंचा करेगा और ब्लेस करेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। थैंक यू जीसस। धन्यवाद खुदावन, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का फजल और पाक रूह की सहभागिता हम सबके साथ, परमेश्वर की सच्ची और पवित्र कलीसियाओं के साथ,
परमेश्वर के सच्चे सच्चे दासों के साथ और इस विजन के साथ, इस मिनिस्ट्री के साथ, परमेश्वर के दास के साथ, सब ब्रांचेस के साथ, सब ऑनलाइन क्लिसियों के साथ, परमेश्वर की ये फजल, ग्रेस, अनुग्रह, सहभागिता, परमेश्वर की होने वाली आखिरी आमद तक ये प्रेम, फजल, ग्रेस हमेशा हमेशा तिकर बना रहेगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमेन, आमेन। सो गॉड ब्लेस यू ऑल। सो इसी तरह से आत्मा में रहें, प्रार्थना में रहें। थर्सडे हम फिर एक मन होंगे। हालेलुया। हम आत्मा में, हम फिजिकली, हम इस घर में, परमेश्वर के घर में, हम सभी साथ में परमेश्वर की जो है अनुग्रह के साथ परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, आराधना करेंगे, परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। आमेन। सो अपने घरों को लौटे, परमेश्वर के वचन को अपने दिलों में समाकर, परमेश्वर की उस ग्रेस को अपने ऊपर ठहरे रहे, वो ग्रेस आप पर, ऐसी अपने सोच, ऐसे थॉट्स, ऐसा माइंडसेट के साथ आपने अपने घरों में वापस जाना। आमेन। ताकि ये ग्रेस ठहरी रहे, ताकि ये ग्रेस आपको आगे लेकर जाती रहे, ताकि ये ग्रेस आपको स्पिरिचुअली ग्रोथ देती रहे। आमेन। सो आप सभी ब्लेस्ड हैं। गॉड ब्लेस यू ऑल। गॉड ब्लेस यू। रूहे खुदानू